इसमें क्या रिलेशनशिप है, और ये जो सूरज से जो एनर्जी आ रहा है वो कैसे हमको मिल रहा है, और ये एनर्जी के कितने फॉर्म्स है, और ये एनर्जी को सही कैसे इस्तेमाल करेंगे, और अपन क्या क्या गड़बड़ किए हैं, इन सब के बारे में मैं बीच बीच में कमेंट करूंगा। तो पहले तो अगर धरती को हम देखते हैं तो उसका रेडियस है 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर्स है धरती का रेडियस। तो उसको अगर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो उसका डायमीटर बनता है। तो अगर धरती का डायमीटर 108 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सूरज का डायमीटर है। मतलब ये 108 कैसे, लाइक एज ए कोइंसिडेंस है ये, मतलब ये 108, मतलब अर्थ का डायमीटर मल्टीप्लाई बाय 108 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सन का डायमीटर। और सन का डायमीटर से 108 से अगर फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो धरती और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिखाता है। तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा आसान है। और मून का, जैसा कि चैप्टर में मून का जिक्र नहीं है मगर फॉर कंप्लीटनेस से वो भी बता रहा हूँ, मून का डायमीटर है अराउंड 3,500 किलोमीटर्स, 3,500 किलोमीटर्स। और मतलब उसका अगर 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मून का डायमीटर इनटू मल्टीप्लाई बाय 108 है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ये कुल मिला के ये है। और अर्थ में मतलब डे एंड नाइट है, सीजन्स है, तो वो उसका जो मतलब सूरज की ओर जो चक्कर लगा रहा है तो उससे मतलब सीजन्स बन रहे हैं, और अपने आप जो धरती अपने आप चक्कर लगा रहे उससे दिन रात बन रहा है। तो ये ऐसा है कि इसका जो डिग्रीज है मतलब 23.5 डिग्रीज का है, उसका भी कुछ मतलब इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में भी आगे आगे हम चर्चा करेंगे। तो नो अभी मैं शुरू करता हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ने का। तो मानवेतर प्रकृति को खनिज संपदा से भरपूर धरती पर फैली हुई हरियाली जीव संसार के रूप में देखते हैं। यह धरती पहाड़ जंगल नदी नाला जीव जानवर से संपन्न है। तो ये धरती के ऊपर मतलब पूरा ये ऑल आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो संपन्नता का अर्थ है इस धरती पर ये सब विद्यमान है। धरती अपने में खनिजों को ठोस और विरल के रूप में समाई हुई है, और इस पर फैली हुई रसायन संसार ठोस तरल और विरल के रूप में होना देखने को मिलता है। मतलब ये बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये धरती के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर सॉलिड लिक्विड एंड गैस के रूप में है, और धरती के अंदर सॉलिड और गैस के रूप में है करके ये सेंटेंस से पता चल रहा है हमको। ठोस रूप में बहुत सी वस्तुएं अपने अपने को देखने को मिलती है, जैसे शरीर में बनी हड्डियां ठोस रूप में रहती हैं। ऐसी वस्तुएं ठोस होने के पूर्व तरल रूप में रहती हैं। तो जो भी सॉलिड है उससे पहले उसके पूर्व ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये कह रहे हैं बाबा जी यहाँ पे। रसायन द्रव्य ऊष्मा संयोग से विघटन विधि से संयोजित होकर विरल रूप में विद्यमान रहती है। इसका मतलब ऊष्मा विधि से वस्तु फैलना शुरू शुरू करता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ भी वस्तु को हम जब टेम्परेचर देते हैं उसको, उसका जो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे वो फैलना शुरू होता है, एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने के बाद एक मतलब टेम्परेचर के बाद में वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे। तो यह तब तक फैलता है कि जब तक तरल हो जाए विरल हो जाए। तो मतलब सॉलिड जब तक फैलता है तब तक, जब तक लिक्विड हो जाए और गैस में परिवर्तन हो जाए। तो ऊष्मा को हम इस विधि से पहचानते हैं कि वस्तु जलकर या जलाकर जो प्रभाव होता है इसे हम ऊष्मा नाम दे रहे हैं। ओके, जब वस्तु जलता है तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ता है ना उसको ऊष्मा नाम दे रहे हैं। तो इसको दूसरी विधि से ऐसे पहचान पा रहे हैं कि वस्तु जो ज्यादा आवेशित हो गई वह सदा ऊष्मित होती है। मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बाबा कह रहे हैं कि वो मतलब आवेशित है, आवेश स्थिति में है। तो हम दूसरी जगह पे इसी वाङ्मय में देखे हैं कि जड़ वस्तु का आवेश ध्वनि विद्युत ताप से हमको पता चलता है, और चैतन्य वस्तु में जो आवेश है
वो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से पता चलता है। तो हम यहाँ पे अभी धरती के बारे में बात कर रहे हैं, या धरती के ऊपर जो फिजिकल एंटिटीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो अर्थात उसका ताप बढ़ जाता है, मतलब जो भी वस्तु आवेशित है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप को पहचानने वाला आदमी ही है, मतलब कोई और दूसरा एंटिटी नहीं है, इसको पहचानने वाला आदमी ही है। अन्य प्रकृति ताप से प्रभावित होते हैं। ओके, अन्य प्रकृति मतलब मानवेतर प्रकृति ताप से प्रभावित होते हैं। मानव को अलग करके ताप को मापदंड में पहचानना नहीं होता। ताप को प्रयोग में प्रयोजित कर फल परिणामों को आंकलित कर पाना मानव से ही संपन्न होता है। तो इसको मतलब टेम्परेचर को मतलब यूजफुल वे में यूज करना ये ह्यूमन बीइंग के साथ ही होता है। ओके, तो पहचानना जड़ प्रकृति, पहचानना जड़ चैतन्य प्रकृति दोनों में होता है, मतलब पहचानना जड़ चैतन्य प्रकृति दोनों में होता है, और पहचानना निर्वाह करने में जड़ प्रकृति प्रमाणित है। मतलब पहचानना निर्वाह करना करना में मतलब रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट जो है वो जड़ प्रकृति उसमें प्रमाणित है, जबकि जानना मानना केवल चैतन्य प्रकृति में ही होता है। मतलब नोइंग अज्यूमिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, ये चारों है ना, चारों सिर्फ चैतन्य में ही होता है, मगर पहचानना निर्वाह करना इसमें मतलब जड़ प्रकृति में भी होता है। तो जड़ प्रकृति में पहचानना निर्वाह करना ही है, और चैतन्य प्रकृति में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये चार है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो अगर सपोज से एक नीडिल हम अगर हाथ में पियर्स करते हैं, तो अगर ये नीडिल का प्रेशर मतलब जो प्रेशर अपन अप्लाई कर रहे हैं वो ये जो बॉडी का जो रेसिस्टेंस है उससे अगर ज्यादा है तो वो अंदर चले जाएगा, तो वो आराम से चले जाएगा। मगर अगर ये नीडिल कोई अनजान व्यक्ति अपने अंदर डालता है तो हमको क्रोध आता है, उससे फाइट करते हैं। अगर वो वही नीडिल अगर डॉक्टर मतलब इंजेक्शन देते हैं तो तब हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मानना मतलब जानना मानना मानव के अंदर है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है। तो मानव जड़ चैतन्य के संयुक्त रूप में होता है, जानने मानने की क्षमता से युक्त है मानव। सो मूल मुद्दे में पहचानना भी एक क्रिया है, मूल मुद्दे में पहचानना भी एक क्रिया है। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए ताप को परावर्तित करते हैं, अपने में से ताप को जो व्यक्त करते हैं उसके आसपास के अणु परमाणु ताप को स्वीकारते हैं। तो जो भी टेम्परेचर जो भी एक वस्तु अगर हाई टेम्परेचर में है तो वो उसके आसपास के वस्तुओं में उसका जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है तो तब उसके आसपास में जितने भी मॉलिक्यूल्स है जितने भी वस्तुएं हैं वो सब उस टेम्परेचर को स्वीकार करते हैं, और वो टेम्परेचर को स्वीकार करने के बाद वो भी आवेशित हो जाते हैं। तो इसे हम पहचानना कह सकते हैं। तो जो स्वीकार रहे हैं उसको पहचानना कह सकते हैं। ओके, फलस्वरूप परिणतियां हो जाती हैं। तो जैसे लोहे को पिघलाने के लिए जितना भी ऊष्मा को नियोजित किया जाता है उसको लोहा स्वीकारता है, तो आयरन उस टेम्परेचर को ले लेता है। सो लोहे का अणु परमाणु स्वीकारता है, सो मतलब आयरन ले लेता है, मतलब लोहे का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एटम्स है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो फलस्वरूप वो एक्सेप्ट करने के बाद एक टेम्परेचर के बाद में वो पिघल जाता है। ओके, सो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट डिफरेंट एक मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक टेम्परेचर में पिघलता है, तो उसका जो डेंसिटी है उसके हिसाब से ये टेम्परेचर और ये मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड है। मतलब जैसे कि मैं मतलब कुछ वस्तुओं का मैं टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखा, जैसे कि एल्यूमिनियम है वो 600 अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्रीज पे मेल्ट होता है, कॉपर अगर अराउंड 1200 में मेल्ट होता है, आयरन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, और निकल 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। तो इसका कारण क्या है कि इसका जो डेंसिटी है उसके हिसाब से ये मेल्टिंग पॉइंट्स थोड़ा अलग-अलग रहते हैं। ओके, तो मानव ही एक ओके वन सेकंड, सो फलस्वरूप पिघलता है। ओके, इस क्रिया को हम मानव ऐसे व्याख्या करते हैं
सो पहचान लेता है, निर्वाह करता है, तो ये पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है और फुलफिल करता है। जैसा कि टेम्परेचर एक पॉइंट पे जाता है, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ओके, तब पिघलता है। मानव ही एक ऐसी इकाई है जो तप्त लोहे को विविध आकारों में बदल देता है। इसी को सांचे में ढलाना हम मानते हैं, ओके। इसमें लोहा पुनः जमते तक, ठंडा होने तक ऊष्मा को परावर्तित करते करते ही रहता है। तो मतलब टेम्परेचर को आसपास में डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है, एंड देन फाइनली वो टेम्परेचर कम होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई सभी द्रव्य लोहे को ताप को आवंटित कर लेता है, ओके। अंततः लोहा ठंडा हो जाता है। सो जब ये टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो धीरे 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 नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो जो भी आवेश स्थिति है, तो उसका आवेश और जो ये पिघल रहा है, तो उसको मतलब यूजफुल फॉर्म में सिर्फ मानव ही ला सकता है। तो प्रकृति में मतलब और कोई ऐसा इकाई नहीं है कि ये इसको अलग तरह से यूज करे। सो ह्यूमन बीइंग ही अपने अपने लिए जो जो भी चाहिए वैसे वस्तुएं तैयार करने के लिए ये मेल्ट करके फिर विविध रूप में उसको मतलब डिजाइन करके करने लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा हूं। ताप, ओके, ताप उद्दीप्त उद्दीप्त करने के प्रयास से, ताप उद्दीप्त करने के प्रयास से अर्थात ताप को प्रकट करने और बढ़ाने की क्रिया में एक जलने वाला और एक जलाने वाले का संयोग रहता है। तब ये हीट पहले कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कोयला जलने वाला है, हवा जलाता रहता है, तो मतलब जलने के लिए डेफिनेटली ऑक्सीजन की जरूरत है और कोयला जलने वाला पदार्थ है, तो हवा जलाने वाला पदार्थ है। तो इसके मूल में जाए तो कोयले को आरंभिक रूप में जलने के लिए कोई ना कोई जलने वाला जलाने वाले के रूप में होता है। जैसे हम आग लगाते हैं तो वो जलाने वाला है, उसके बाद में कोयला जलता रहता है। जब कोयला जलता रहता है तो अपना हमको ये मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन है तो ही जलता है, ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं जलता है। जैसे जलता हुआ आग, तो जलता हुआ आग को मटेरियल चाहिए और इनिशिएशन चाहिए, जो आग को इनिशिएट करना चाहिए, उसके बाद में हवा चाहिए। तो अगर ये हवा नहीं है तो बंद हो जाएगा। तो मतलब मटेरियल फर्स्ट चाहिए अपने को, देन ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन मटेरियल एंड ऑक्सीजन तीनों चाहिए। तो इसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं। अगर इसमें से किसी एक को भी अगर अपन निकाल देते हैं तो मतलब आग बंद हो जाएगा, ओके। इन विधियों से चलकर कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस अथवा विकिरणीय प्रक्रिया से ताप उद्दीपन क्रिया को मानव संपादित करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सब हम डे टू डे एक्सरसाइज, डे टू डे प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि कुछ माचिस को स्ट्राइक करके जलाते हैं, उसके बाद में स्टोव जलता है, गैस है, गैस जलता है, तो देन अपने को जो जो भी मतलब उससे आग से काम लेना है वो सब हम करते हैं। सो दिस यूजुअल नॉर्मल प्रोसीजर। सो साथ में विस्फोटक द्रव्यों की पहचान, उसका संयोजन और दबाव विधि से तापोद्दीपन होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। सो जैसे कि मतलब एक्सप्लोजन्स है, उससे भी हीट जनरेट होता है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे भी हीट जनरेट होता है। तो ये सारे जो जो भी मतलब वस्तुएं हैं, उससे जैसे हीट मतलब बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बाबा यहाँ पे जिक्र किया है। तो ऐसे ताप को नियोजित कर मानव आवश्यक कार्यों को सिद्ध करते ही है। सो दिस इज यूजुअल प्रैक्टिस है। जैसे पानी गर्म करना, खाना बनाना, कमरा गर्म करना, दवाई को सुखाना आदि। सो बहुत सारे जगह पे हम आग को मतलब एवरी किड ऑल्सो नोस मतलब फायर से बहुत सारे फायदे हैं करके। तो इस प्रकार अनेक क्रियाओं को ताप संयोजन से नियंत्रण से संपादित करता ही है। यह मानव परंपरा में अभ्यस्त हो चुका है। सो इट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब डे टू डे में हम ताप को या इसको फायर को यूज करते हैं, ओके। ताप कहीं भी हो, वहां उस वातावरण को ताप से अधिक होना आवश्यक है, तभी ताप है। तो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर से जहां भी जहां आग का सोर्स है वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है। सो दिस इज नेचुरल, हम सबको पता ही है। सो दूसरे विधि से जहां ताप हो
उसके आसपास उससे कम ताप हो, तभी अधिक ताप का अधिक 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 ताप का कम ताप की ओर परावर्तित होता है। दैट मीन जब टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, तो जहां पे आग है, जहां पे आग नहीं है, तो ये जो आग के आसपास जो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे 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 फैलने लगते हैं, देन आसपास के जो कम टेम्परेचर वाला जगह है वो ज्यादा टेम्परेचर होने लगता है। सो दैट मीन्स जहां पे आग है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। जैसा किसी भी कहीं भी हम आग जलाते हैं वहां अधिक ताप हो जाता है कम ताप की ओर परावर्तित होने के लिए, होने की क्रिया को ऐसा देखा जाता है कि ताप जहां प्रकट रहता है उसको उसके आसपास के अणु परमाणुओं को तप्त होने से फैल जाता है। सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। ओके, इसका मतलब है, मतलब यह हुआ तप्त अणु अपने प्रभाव क्षेत्र वातावरण में ताप फैलाकर अणुओं को तप्त बनाता है। तो जो इसके ताप से कम रहता है, मतलब जहां पर आग है जहां पर नहीं है, तो वहां से जहां पर आग है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पर नहीं है वहां पे कम है, तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है। तो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट तक धीरे 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 वो फैलने लगता है, जब तक वो बराबर ना हो तब तक फैलते हुए नजर आता है। तो इस प्रकार ताप परावर्तित होकर कम होता जाता है, अंततः सामान्य ताप तक पहुंचते हैं। सो सामान्य ताप से आशय स्वभाव गति में होने से है। स्वभाव गति का तात्पर्य यह है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति में जो यथास्थितियां होती हैं, अर्थात स्वसहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही स्वभाव गति है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ताप होता है तो दैट मीन्स आवेशित है, तो मतलब किसी दूसरे वस्तु को आवेशित करके अपने प्रयोजनों को पूरा करना ह्यूमन बीइंग करता है। जैसे बहुत सारा हम करते हैं खाना बनाना ये सब, अभी इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन में आया था, मगर ये जो भी वस्तु अगर उसके सहज स्थिति में है तो वो ही इसमें विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति में है। जैसा अपन आदमी को अगर लेते हैं तो अगर आदमी आवेशित है तो वो सहज स्थिति में नहीं है, तो जो भी आवेशित है उस आवेश को मतलब धीरे 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 आगे मतलब उसके जो आसपास है लोगों पर बांटता है, तो जब लोगों को बांटता है तो वो भी आवेशित हो जाते हैं। तो ये जो अगर नॉलेज है तो ये आवेश को खुद अपने आप को कम कर सकता है, सहज स्थिति में आ सकता है। तो जब आदमी सहज स्थिति में आएगा तभी त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। ये त्वसहित व्यवस्था मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, जो भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है वो लार्जर डायनामिक्स में अपना योगदान अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये इसका तात्पर्य है। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है कि किसी भी कमरे में एक कोने में एक मोमबत्ती जलाकर रख दे। तो बाबा ने यहाँ पे मतलब बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। अथवा मिट्टी का तेल का दिया अथवा हीटर जलाए, ओके सो स्टोव जलाए, अथवा ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देने वाला बल्ब जलाए। तो मतलब एक हीट का सोर्स एक कमरे में जलाए, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसको छूने से हमको जितना ताप महसूस होता है उससे कुछ दूर में उससे कम महसूस होगा। सो जहां भी ये हीट का सोर्स है अगर उसको टच करे तो ज्यादा टेम्परेचर अपने को महसूस होगा, और उसके थोड़ा दूर गए तो कम टेम्परेचर महसूस होगा, और भी ज्यादा दूर जाने पर हमको उससे भी और कम टेम्परेचर महसूस होगा। अगर दूसरे कोने से हम देखते हैं तो सबसे कम टेम्परेचर महसूस होगा। तो ये अब ये कह रहे हैं कि एक कोने में हीट का सोर्स लगाइए और दूसरे कोने में अगर देखते हैं तो सबसे कम टेम्परेचर महसूस होगा। और इसको और एक तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसको बीच में लाते हैं, कमरे के बीच में अगर लाते हैं, तो कमरे के बीच में रखकर यहाँ प्रयोग करें तो पता लगता है कि ऊष्मा सभी ओर समान रूप में परावर्तित होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि मतलब टेम्परेचर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड इक्वली करके बाबा जी कह रहे हैं, और ये हम भी एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग तो एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है टेम्परेचर।
मतलब आग का सोर्स जहाँ पे है, हायर टेम्परेचर जहाँ पे, वहां से अगर हम जाते हैं तो इक्वली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता हुआ हमको दिखता है ठीक से। तो इस प्रकार हम उक्त प्रयोग विधि से यह भी स्वीकार सकते हैं कि सूर्य का ताप भी और सूर्य का ताप सभी ओर समान रूप से परावर्तित हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ सन इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड इक्वली। सूर्य बिंब से परावर्तित ताप धरती को छूता है, ओके, सूर्य की ससम्मुखता में, मतलब जो भी उसके नजदीक है धीरे 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 धीरे, तो ये टेम्परेचर सन से लेके धरती तक आ रहा है, बिकॉज वो ससम्मुखता में है, मतलब धरती सूरज के नजदीक है, इसलिए वो टेम्परेचर हमको मतलब धरती को छू रहा है। इसी के साथ यह भी समझ में आता है कि धरती घूमते हुए भाग सूर्य की सम्मुख रहता है, वह तप्त होता है, इसी कारणवश सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो जब धरती मतलब अपने आप में घूम रहा है, जैसे कि मतलब अपने आप में जब धरती घूम रहा है, एक साइड सूरज की ओर है और एक साइड पीछे के भाग में है, मतलब जहां पे सूरज नहीं है, मतलब सूरज की रोशनी नहीं पड़ रहा है, तो सूरज की रोशनी जहां पे पड़ रहा है वो गर्म रहता है, सूरज की रोशनी जहां नहीं पड़ रहा है वो ठंडा रहता है। तो अभी मतलब धरती ऐसा है कि सूरज यहाँ पे, धरती यहाँ पे है, तो सूरज मतलब धरती टिल्टेड एक्सिस पे है, 23.5 डिग्री टिल्टेड एक्सिस पे है। तो ये धरती सूरज मतलब अपने आप में मतलब एक्सिस अपने एक्सिस पे अपन वो घूम रहा है, तो ये घूमने की वजह से डे एंड नाइट हो रहा है और सन के अराउंड भी घूम रहा है। तो सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है तो हम उसको एक साल बोल रहे हैं, तो ये नॉर्मली मतलब हम सबको पता ही है, मगर ये 23.5 डिग्री जो है ये भी मतलब 23.5 डिग्री भी फिक्स 23.5 नहीं है, ये एक्चुअली ये लट्टू की तरह घूम रहा है, मतलब ये 23.5 to 24 ऐसा करके घूम रहा है एक्चुअली, वो 23.5 to 24 आके फिर 23.5 ऐसा एक्सिस में घूमने के लिए इसको 26,000 साल लगते हैं, और एक चक्कर लगाने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और सूरज के मतलब आसपास सूरज का एक राउंड लगाने में 1 साल लगता है। तो जब सूरज का एक राउंड वो लगा रहा है उसमें ऐसा है कि एक समय में टॉप नॉर्थ पोल दूर है सूरज से और साउथ पोल नजदीक है, और दूसरी जगह पे नॉर्थ पोल नजदीक है और साउथ पोल दूर है। तो ये इससे ही अपने को मतलब सीजन्स बनते हैं, तो ऋतुएं इससे ही बनते हैं, जैसे कि ये मतलब 6 ऋतु है, हम मतलब कहते हैं जो तेलुगु में मैं बोलता हूँ मगर सेम शब्द है, पहले वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु, तो हिंदी में भी यही नाम है, तेलुगु में भी यही नाम है। तो ये जो धरती सूरज के आसपास जो चक्कर लगा रहा है उससे ये ऋतु बन रहे हैं, और अपने आप जो घूम रहा है अपने एक्सिस पे घूम रहा है जिसको अपन ये रोटेशन बोल रहे हैं, उससे दिन रात बन रहे हैं, और ये एक चक्कर सूरज की कंप्लीटली लगाता है तो वो 365 डेज अपन एक साल बोल रहे हैं। इसके और भी डिटेल्स है बहुत सारे, मतलब साइंस के मतलब चैनल्स में आपको दिखते हैं, और ये जो वॉबलिंग इफेक्ट है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, वो जो लट्टू की तरह जो घूमता है, तो वो 26,000 साल लगता है उसके उसके लिए। ओके, अब मैं अभी अब फिर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। तो इसी कारणवश सूर्योदय और अस्त होता है। ओके, अस्त होते समय भी न्यूनतम ताप धरती को स्पर्श किया रहता है, इन दोनों के मध्य में बीच में अधिकतम ताप स्पर्श किया रहता है, तो इसको हर व्यक्ति परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। तो धरती के घूर्णन गतिवश ही सूर्य सूर्य के सम्मुख विमुख होने का विन्यास स्पष्ट होता है। ओके, इसी घूर्णन गति के नर्तन के समान में होने वाली कंपनात्मक गति ही सूर्य के चारों ओर वर्तुलात्मक गति में परिवर्तित परिवर्त सॉरी प्रमाणित होने होने का स्वरूप है। तो इसके मूल में तत्व सहित व्यवस्था प्रकृति प्रवृत्ति ही है। इसके मूल में तत्व सहित व्यवस्था प्रवृत्ति ही है। यह प्रवृत्ति परस्पर अच्छी दूरी में रहते हुए व्यवस्था को प्रमाणित करने के रूप में है। तो ये एक मतलब धरती और सूरज के बीच में ये जो तत्व सहित व्यवस्था है इसको इंडिकेट कर रहा है ये।
इस अर्थ में निश्चित निर्वाह हर परस्परता में वर्तमान है, अर्थात प्रमाणित है। तो क्या प्रमाणित है? तो हम सब देख रहे हैं कि मतलब डे एंड नाइट कैसा हो रहा है और सीजन्स कैसे बदल रहे हैं, ये सब कुछ। इस प्रकार से यह धरती इस सूर्य व्यूह में जितने भी ग्रह गोल भागीदार कर रहे हैं, इन सब के साथ तालमेल रखते हुए सूर्य के सम्मुख विमुख होते हुए, सूर्य से निश्चित अच्छी दूरी में रहते हुए सभी ओर चक्कर काटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से यह चक्राकार गतिपथ पूर्णतः गोल ना होकर अंडाकार में होना इस बात की प्रवृत्ति है। तो जो सूर्य और धरती के बीच में जो एक्सिस है, जो रोटेशन वाला एक्सिस है, रेवोल्यूशन वाला एक्सिस है, तो ये मतलब कंप्लीटली सर्कल ना होते हुए एलिप्टिकल है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो उसके वजह से ये नजदीक आ रहा है और दूर जा रहा है, कुछ समय नजदीक दिखता है हमको और कुछ समय दूर दिखता है। ओके, सो इस प्रवृत्ति का प्रधान आशय धरती में ऋतु परिवर्तन, जैसा कि अभी मैं डिस्क्राइब किया था, तो ऐसा जब हो रहा है इसी से ही अपने को ऋतु परिवर्तन की स्वयंस्फूर्त प्रवृत्ति है। अंततः इस धरती पर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति प्रमाणित होना ही आशय है। इससे आशय यह है कि मतलब विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति हो रहा है इससे। तो इस आशय को कैसे हम मानव समझे? ओके, इस आशय को कैसे हम मानव समझे, इसको हम अपन मतलब ठीक ठीक समझना चाहिए, समझने के बाद इसको मतलब यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि इसमें हस्तक्षेप करके हम कुछ मतलब गलत परिणाम अभी जैसे हो रहे हैं, मतलब ऋतु सीजन सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इसका इसमें मानव का ज्यादा हस्तक्षेप है। ओके ओके, अभी इसके डिटेल में जाएंगे, मतलब मनुष्य क्या क्या कर रहा है करके। ओके, उक्त मुद्दे को इस प्रकार समझना बन जाता है कि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रकाशित है, मतलब पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। तो जैसे हम सब लोगों को पता है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था एक दूसरे के साथ आवर्तनशील प्रक्रिया में रहना चाहिए, मगर आदमी को छोड़ के पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों मतलब दे आर ऑलरेडी इन साइक्लिक प्रोसेस, म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस में है, मगर मानव ही एक ऐसा इकाई है जो इस प्रोसेस को ठीक से मतलब समझ नहीं पा रहा है और फॉलो नहीं कर पा रहा है, यही प्रॉब्लम है। इससे मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा नष्ट अपन सोच रहे हैं कि पर्यावरण को नष्ट होगा, पर्यावरण को थोड़ा नष्ट होगा मगर धीरे 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 मानव को ही ज्यादा नष्ट होगा। तो इसके अभी डिटेल में जाके देखेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए। उक्त मुद्दे को इस प्रकार समझना बन जाता है कि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रकाशित है, जो थी नहीं वह होती नहीं। इस तथ्य को विश्लेषित करने पर पता लगता है कि इन चारों अवस्थाओं की मूल प्रवृत्ति पदार्थ अवस्था में ही समाहित रहा ही है। मतलब इन चारों अवस्था का मूल प्रवृत्ति, जैसे मतलब मेटेरियल ऑर्डर जब अपन देखते हैं, मेटेरियल ऑर्डर में क्या है, मेटेरियल ऑर्डर का आचरण कंपोजिशन, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है मेटेरियल ऑर्डर का आचरण, मतलब कंडक्ट। जैसे प्राणिक ऑर्डर है उसका आचरण देखते हैं तो बीज से डिसाइड होता है, और जीव अवस्था का आचरण वंश से डिसाइड होता है, और ज्ञान अवस्था का आचरण मतलब शिक्षा संस्कार से डिसाइड होता है। तो इसमें जो पहचाना निर्वाह करना है, तो जो थी नहीं वो होती नहीं, तो ये मतलब यह बाबा ये कह रहे हैं कि इस तथ्य को विश्लेषित करने पर पता लगता है कि इन चारों अवस्थाओं की मूल प्रवृत्ति जो भी बेसिक है, जो बेसिस है, वो पदार्थ अवस्था में ही समाहित है। अगर वो पदार्थ अवस्था में नहीं है तो वो मतलब आगे आगे जाके प्रकट ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स उसका जो मतलब बेसिक जो नेसेसिटी, मतलब बेसिक जो चीज है उसके अंदर, पदार्थ अवस्था के अंदर ही है। अगर ऐसा नहीं होता तब यौगिक और हरियाली का उदय होना संभव ही नहीं था।
मतलब अगर ये डेवलपमेंट मतलब जो जो एटम है, जो एटम में अगर डेवलपमेंट नहीं है तो ये पूरा मतलब धरती के ऊपर जो भी चारों अवस्थाएं प्रकट ही नहीं होती थी। ओके, जबकि इस धरती पर योगिक क्रिया संपादित हो चुकी है, हरियालियां फैल चुकी हैं। सो ये अपन साइकिल देख रहे हैं, बीज वृक्ष देख रहे हैं, वंश भी देख रहे हैं, ये सारे मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जुड़ी हुई है कंप्लीटली। तो दैट मीन ये पहले से ही उसके अंदर निहित है, उसके अंदर समाहित है, इसलिए वो प्रकट हो गए हैं। तो इसी के साथ साथ भुनगी कीड़े से लेकर अनेक पशु पक्षी जीव जानवर का प्रकटन व परस्पर स्थाप मतलब परंपरा स्थापित हो चुकी है। तो इसका एक साइकिल है, मतलब ह्यूमन बीइंग का एक साइकिल है, ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब का परंपरा स्टार्ट हो चुका है, और जो जीव जानवर जो है उसका परंपरा स्टार्ट हो चुका है, बीज वृक्ष का परंपरा स्टार्ट हो चुका है, ये सब मतलब धरती के ऊपर कंप्लीटली मतलब 100% आ चुका है और बैलेंस स्टेट में है। और इस सबको है ना मतलब सारे जो तीन ऑर्डर्स है, थ्री ऑर्डर्स है, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ये तीनों मतलब पहचान रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली एक ह्यूमन ऑर्डर ही इसको मतलब पहचानना, निर्वाह करना ठीक ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो उसका बेसिक शॉर्टकमिंग है एजुकेशन में, मतलब ह्यूमन एजुकेशन में शॉर्टकमिंग है। अगर ह्यूमन एजुकेशन सही से ही अगर मिल गया तो ह्यूमन बीइंग आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द लार्जर डायनेमिक्स। ओके, इतना ही नहीं, मानव शरीर परंपरा भी स्थापित हो चुकी है। इनमें से किसी किसी को नकारने का कोई तर्क या स्थिति मानव के पास अभी नहीं है, मतलब इसको हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब आंखों के सामने ये सब कुछ हम देख रहे हैं। सो दूसरा, मानव का हैसियत यह है कि मानव है का अध्ययन करता है। तो कैसे है का मतलब करना नहीं, है मैं हूं उसका अध्ययन, मतलब मैं हूं, मैं कैसा हूं, मतलब मैं मेरा लाइक हाउ आई कैन पार्टिसिपेट इन द लार्जर ऑर्डर, सो इसका ही अध्ययन करना है मुझे विदाउट डिस्टर्बिंग दैट। सो बारीक से बारीक जो भी मतलब नेचर में बनना है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो मुझे उसको समझना है, समझने के बाद उसको मतलब उसमें लार्जर डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मुझे, बस उतना ही। ओके, चारों अवस्थाएं मानव के लिए अध्ययन करने की वस्तु है। तो चारों अवस्थाएं पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था मानव के लिए अध्ययन करने की वस्तु है। तो अध्ययन का मतलब क्या है? तो वस्तु से लेकर वस्तु मतलब वस्तु जो शब्द है, शब्द से लेकर हमको वस्तु तक पहुंचना चाहिए, वस्तु से लेकर उसका रूप गुण स्वभाव धर्म हमको समझना चाहिए। ओके, सो जैसे कि रूप और गुण हमको ये इंद्रियों से दिखता है और समझ सकते हैं, मगर स्वभाव और धर्म जो है वो मतलब ज्ञान से ही दिखता है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म, तो अध्ययन का मतलब है किसी भी इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म हमको समझ में आना ही अध्ययन है। अध्ययन करने से हमें इस तथ्य का सूत्र मिलता है कि धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भौतिक क्रिया व्यवस्था से ही, रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन इस धरती पर हो चुकी है। मतलब ये सीक्वेंस है, फिर एक बार मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। अध्ययन करने से हमें इस तथ्य का सूत्र मिलता है कि धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था, धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था ही व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भौतिक क्रिया व्यवस्था से ही, रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन इस धरती पर हो चुकी है। तो एक-एक मतलब सीक्वेंस है। तो रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन इस धरती पर हुआ है, इसका मतलब है भौतिक क्रिया से, तो इसका मतलब है कि प्रभाव से। तो ये सीक्वेंस है। ओके, ऋतु का प्रभाव से भौतिक क्रिया, उससे प्रभाव से रासायनिक क्रिया का प्रकटन इस धरती पर हुआ, ये सीक्वेंस है। तो इसको हमें समझना चाहिए और ये सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस क्रम से चारों अवस्थाओं की संरचनाएं स्पष्ट हो चुकी हैं। तो यही ऑर्डर, यही सीक्वेंस है, ये चारों अवस्थाएं की संरचना मतलब दे आर एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी ऑन द अर्थ। तो सभी खनिज भी ठोस रूप में है, अपने अपने प्रजाति को प्रजाति की अनुरचना अथवा मिश्रित रचना के रूप में प्रस्तुत है। मतलब सभी ये रचनाएं मतलब मटेरियल्स, मिनरल्स, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो कैसे उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मिनरल कॉम्पोजिशन है, उसके साथ ये सब मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं धरती पर।
और हम इसको समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझना क्यों, उसको उसको कंटिन्यू करने के लिए समझना है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इन्हीं की विविध प्रजातियों के आधार पर यौगिक घटना मतलब ये बॉन्डिंग रासायनिक उर्मी और वैभव अर्थात नृत्य घटित है। तो ये जो केमिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, एक से एक बॉन्डिंग हो रहा है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस एक्शंस हो रहे हैं, तो इससे हमको पता चलता है रासायनिक द्रव्य के आधार पर संपूर्ण प्राणकोशा संरचित रचनाएं, छोटे से बड़े वनस्पति प्रजातियां, जीव अवस्था प्रजातियां, मानव शरीर प्रजाति का रचना इस धरती पर ही प्रमाणित है। सो दैट मीन ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है इस क्रिया से, इसका मतलब बाबा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इससे स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता के साथ साथ विकास क्रम और विकास की प्रवृत्तियां समाई रहती हैं। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि मतलब विकास क्रम विकास कैसे हुआ है। सो फाइनली यहाँ पे मतलब गठनपूर्ण परमाणु तक ये आए हैं। तो मगर यहाँ पे अपन तीनों ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नॉट ह्यूमन ऑर्डर राइट नाउ। तो इससे फिर एक बार पढ़ रहा हूँ ये लास्ट सेंटेंस। इससे स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा संपन्नता दैट मींस एनर्जी, बल संपन्नता बल इज पावर पावर एंड एनर्जी बोथ, क्रियाशीलता के साथ साथ विकास क्रम और विकास की प्रवृत्तियां समाई है। तो विकास क्रम मतलब दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो हर परमाणु मतलब डेवलपमेंट एक लीनियर लाइन से जा रहा है, डेवलपमेंट विकास क्रम विकास, उसके बाद में जागृति क्रम जागृति के उसमें। सो जीवन विकसित पद, जीवन विकसित पद में होना पहले से स्पष्ट किया जा चुका है। तो जीवन मतलब गठनपूर्ण परमाणु है तो ये विकसित पद में है। सो दिस इज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन अर्लियर सेक्शंस। यह गठनपूर्ण पद को प्राप्त किया रहता है, तो गठनपूर्णता को प्राप्त किया रहता है। तो मतलब गठनपूर्णता को प्राप्त किया है, इसका मतलब ये है कि ये अभी फिजिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस गठनपूर्ण परमाणु में ही आशानुरूप गतित होने की व्यवस्था बनी रहती है। तो मतलब जैसे आशा है, तो आशा आस्वादन के रूप में, तो ये आस्वादन मतलब इंद्रिय आस्वादन, मूल्य आस्वादन, लक्ष्य आस्वादन, ये तीनों के रूप में बना हुआ रहता है। यहाँ स्वयंस्फूर्त विधि से है कि ऐसा आशानुरूपी गतित रहने वाला जीवन आशावश किसी न किसी जीवावस्था अथवा ज्ञानावस्था के शरीर को संचालित करता है। ऐसा जीवन किसी भी एक धरती से दूसरे धरती तक पहुंचने की संभावना समीचीन रहती है। तो यहाँ पे मतलब एक धरती से दूसरे धरती तक पहुंचने की संभावना है, मतलब किसका, ह्यूमन एटम का है। तो दिस इज डेफिनेटली ए सीरियस स्टेटमेंट विच ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक। ऐसा जीवन मतलब जो ये आशानुरूपी गतित रहने वाला जीवन आशा वश किसी न किसी जीवावस्था अथवा ज्ञानावस्था के शरीर को संचालित करता है, मतलब जो भी ये ह्यूमन बीइंग या एनिमल बॉडी को जो चला रहा है ये जीवन, ऐसा जीवन किसी भी एक धरती से दूसरे धरती तक पहुंचने की संभावना समीचीन रहती है। तो मतलब आइदर दिस अर्थ और अनदर अर्थ, तो इसकी बात कर रहे हैं बाबा जी यहाँ पे। तो कुल मिलाकर हर धरती पर विकास क्रम रासायन भौतिक रचनाओं और उनके परंपरा के रूप में प्रमाणित होना मानव को समझ में आता है। तो जब भी मानव का प्रकटन होना है, इसका मतलब यह है कि मानव का प्रकटन जब भी होना है, उससे पहले पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये तीनों का होना बहुत जरूरी है, और एटम गठनपूर्ण परमाणु होना है, उसके बाद में ही ये ऑर्डर चालू होता है। तो अभी नेक्स्ट लाइंस पढ़ेंगे। इससे स्पष्ट हो गया है कि हर धरती किसी समृद्ध धरती के साथ किसी निश्चित दूरी को बनाए रखते हुए व्यवस्था में भागीदारी के रूप में कार्य करते हुए स्वयं में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति को प्रमाणित किया रहता है। तो मतलब देखो ये मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि हर धरती उसके आसपास में जो भी मतलब धरतियां हैं उससे अच्छी दूरी रखते हुए हम ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि एवरी
अर्थ इज अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस, एवरी अर्थ जैसे कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस, तो उसके लिए क्या है कि विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति को प्रमाणित करने के लिए, तो एवरी ह्यूमन बीइंग क्यों प्रमाणित करना है, तो मतलब हारमोनी में रहना है मुझे, हारमोनी में रहने के लिए मुझे ज्ञान को अर्जित करना है और प्रमाणित करना है। सो ज्ञान को अर्जित करना मतलब ये जागृति है, मतलब दसों क्रिया एक्टिव होना है मेरे अंदर, तो ज्ञान को अर्जन करने के लिए, तो मतलब ऑल जो जितने भी धरतियां हैं ये विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति को प्रमाणित करने के लिए ही ये आगे जा रहे हैं। इन सबका दृष्टा जागृत मानव ही है, ना कि भ्रमित मानव, तो जागृत मानव ही इसको इसको देख सकता है क्लियरली। तो बाबा बोल रहे हैं कि भ्रमित मानव को ये समझ में नहीं आता, मगर फिर भी भ्रमित मानव को ये समझ में आता है कि उसे सुखी रहना है। ओके, चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे उसको सुखी होना है, तो अच्छा जो बुरा काम करता है, जो बुरे काम में भी स्टेबिलिटी नहीं है करके फिर अच्छे को ही ढूंढने लगता है। तो मतलब फाइनली क्या है कि एवरीवन वांट टू बी हैप्पी एंड एवरीवन वांट टू बी कंटिन्यूअसली हैप्पी। तो इस क्रम में कई धरती किसी न किसी अवस्था में कार्यरत है ही। सभी अविकसित धरतियां विकास को प्रमाणित करने की ओर प्रवर्तनशील है। तो यही मैं कह रहा था, सभी धरतियां, यू कैन टेक एनी ग्लोब और एनी प्लैनेट, सो एवरी प्लैनेट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो वो क्रम में ही है। तो अपने को अभी ये अर्थ दिख रहा है, मगर बहुत सारे ऐसे ग्रह गोल है, मतलब तो ये लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, अपने मतलब नॉलेज कुछ नहीं है उसका। तो एवरी वेयर दिस ऑल फोर ऑर्डर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड ह्यूमन ऑर्डर विल बी देयर इन दैट, and then human order will always try for the development. So, one second, excuse me. Okay. यह भी इस बात का संकेत है कि जितनी भी धरतियां अविकसित अवस्था में है, अर्थात जिन धरती में विकास क्रम ही प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे सभी धरतियां विकास क्रम को सजाने की ओर अपनी प्रवृत्ति को बनाए हुए हैं। तो जहां पर ओनली फिजिकल ऑर्डर है, फिजिकल मैटर है, सो धीरे 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 मतलब मे बी आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स, वहां पे भी ये लाइक केमिकल बॉन्डिंग के साथ देन रसायन द्रव, पहले सबसे पहले मतलब बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहले जिस का प्रकटन होना है पानी का, तो उसके बाद में ही मतलब मूल वस्तु वही है, उसके बाद में भी बहुत सारे रस उपरस ये सब बनेंगे, उसके बाद में ही लाइफ फॉर्म स्टार्ट होगा, उसके बाद में बहुत बाद में समृद्ध मेदस होगा, देन ये आदमी समृद्ध मेदस जब बनता है तो तब आदमी का प्रकटन होता है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये। ओके, तो इसी क्रम से सूर्य ग्रह जो ह्रास की परम स्थिति में है, वह भी कालांतर में विकास क्रम में होने की कल्पना मानव परंपरा में प्रचलित है। तो अब ये सूरज जो आवेशित है उसकी बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे, तो सूरज परम आवेश स्थिति में है, सो उसका जो आवेश है तो वो धीरे धीरे सब जगह पे फैला रहा है और सब जगह पे बांट रहा है, और आसपास के जितने भी ग्रह क्रोल है उस आवेश को स्वीकार रहे हैं। तो स्वीकारने के बाद अपने अंदर जो भी कार्यक्रम होना है वो होते ही जा रहा है, मगर इससे क्या अपने को पता चल रहा है कि धीरे धीरे ये धरती मतलब ठंडा हो जाए, चल सूरज ठंडा हो जाएगा, सूरज ठंडा हो जाने के बाद उसमें भी विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति की ओर वो भी चल पड़ेगा, ऐसा लॉजिकली मतलब हम समझ सकते हैं ये। ओके, तो इस क्रम में फिर एक बार पढ़ रहा हूं वो सेंटेंस को, इस क्रम में सूर्य ग्रह जो ह्रास की परम स्थिति में है, वह भी कालांतर में विकास क्रम में होने की कल्पना मानव परंपरा में प्रचलित है। यह सब स्थितियां विकास और जागृति होने के पक्ष में स्पष्ट हुई है। सो धरती कोई भी अवस्था में हो, उसमें विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने का मूल बीज समाहित ही रहता है। जैसे जो भी धरती है, जैसे सूरज अगर ठंडा हो जाने के बाद धरती बन गया, धरती जैसा बन गया, तो उसमें फिर विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के लिए जो मूल वस्तु है, मूल बीज है, वो समाहित ही है। वही कह रहे हैं बाबा यहाँ पे, क्योंकि हर आवेश सामान्य गति की ओर, स्वभाव गति की ओर, स्वभाव गति विकास क्रम की ओर, और विकास क्रम विकास
विकास को प्रमाणित करने की ओर, विकास जागृति को प्रमाणित करने की ओर और जागृति क्रम जागृति को प्रमाणित करने की ओर एवं जागृति की निरंतरता को प्रमाणित करने की ओर कार्य करता हुआ समझ में आता है। बहुत लंबा सेंटेंस है, तो इसमें क्या बता रहे हैं यहाँ बाबा, विकास क्रम विकास विकास क्रम से और उसके बाद में जागृति क्रम, उसके बाद में जागृति, ये फोर थिंग्स आते हैं। सो विकास क्रम से विकास, फिर विकास क्रम से विकास, विकसित होने के बाद जागृति क्रम, जागृति क्रम के बाद में जागृति। तो ये जो सीक्वेंस है तो वो धरती के अंदर जो मूल परमाणु है उसके अंदर ही ये सब समाहित है, ये कह रहे हैं। तो इस विधि से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि संपूर्ण सहस्तित्व विकास और जागृति को यथास्थिति प्रकाशित करने के अर्थ में ही संतुलन पूर्वक क्रियाशील है। तो ये सीक्वेंस फिर एक बार मैं पढ़ता हूं इस सेंटेंस को। इस विधि से इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि संपूर्ण सहस्तित्व विकास और जागृति को यथास्थिति प्रकाशित करने के अर्थ में ही संतुलन पूर्वक क्रियाशील है। तो ये बैलेंस है और एक्टिव है, कंटिन्यूअसली बैलेंस के साथ एक्टिव है ये। तो दिस इज गोइंग इन वन लीनियर डायरेक्शन फॉर जागृति क्रम जागृति। इसी क्रम में कहीं ग्रह गोल में अधिकतम ताप जैसा सूर्य में है का होना एवं सम्मुख जितने भी ग्रह गोल होते हैं जिनमें कम ताप रहना, उनमें ताप का समाहित हो जाना दिखाई पड़ता है। तो इससे ये कह रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे स्टार्स है, तो स्टार्स आवेशित है, तो उससे कई स्टार्स आवेशित भी नहीं है, तो जो स्टार जो आवेशित है जो जल रहा है तो उसका आवेश धीरे 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 कम होगा और उसका जो टेम्परेचर है वो स्प्रेड करते रहेगा। उसके आसपास में जितने भी ये प्लैनेट्स है वो उसको उसका आवेश को स्वीकारते हैं। तो उसके साथ ये इसका आवेश जब कम हो जाता है या सह स्थिति में आ जाता है तो तब विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति का वो साइकिल फिर चलता है। तो दिस इज सिक्वेंशियल थिंग, लॉजिकल भी अपने को समझ में आता है ये सब। ये नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं। इस क्रम में यह धरती अपने में कितना श्रम किया है यह हर जागृत मानव को बोध होता है। तो ये लॉजिकली अपने को समझ में आने का हम कोशिश कर सकते हैं, मगर बाबा ये कह रहे हैं कि जागृत मानव को ये क्लियरली बोध में रहता है कि ये मतलब कितना टाइम लगेगा इसको और धरती कितना श्रम कर रहा है इसके लिए। तो इस धरती के ऊपरी सतह में अभी नाउ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, जो क्या क्या अर्थ के ऊपर है। ओके, जंगल है। ओके, इस धरती के ऊपरी सतह में जंगल समुद्र और थोड़े भाग में मरुस्थली होना पाया जाता है। तो जंगल है, फॉरेस्ट है और वाटर बॉडीज है, रिवर्स है और थोड़ा डेजर्ट है। सो ये कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, जो अपने को इजीली ज्योग्राफी अगर अपन देखते हैं, अर्थ का ज्योग्राफी देखते हैं तो ये क्लियरली दिखता है। यह जंगल कैसा भी हो, जंगल के सर्वाधिक पेड़ पौधे लता गुल अपना वायु दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड नाम से जाने वाले द्रव्य को अपना खाद्य पदार्थ बनाते हुए अथवा पाचन पदार्थ बनाते हुए प्राणवायु को अर्थात ऑक्सीजन को प्रदान करता है। तो ये जो जंगल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है अपने में, फिर बाद में जो उसको वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो जबकि कोयला और खनिज कोयला से निष्पन्न तेल जो अपन फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो कोयला और खनिज कोयला से निष्पन्न तेल पेट्रोलियम को जितने भी यंत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं अथवा प्रौद्योगिकी विधि से यंत्र संचालन में प्रयोग किया जाता है, इन सबके विसर्जन ईंधनावशेष में पाए जाने वाले प्राण घातक वायु दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो पेड़ क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। जो अभी मतलब मानव ने जो बनाया है ये सब, मतलब इसको यूज कर रहा है कोयला और खनिज कोयला, उसको जलाकर जो आउटपुट आ रहा है उसका वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी वेरी डेंजरस टू ह्यूमन सर्वाइवल ऑन अर्थ। ओके,
तो ये पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक माना जा रहा है। तो ये अपन बहुत सारा ये अभी एनालिसिस भी चल रहा है कि कितना पोल्यूशन है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना मतलब पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ये सारे ह्यूमन बीइंग के वजह से ही है। अभी जो ये COVID-19 जो चल रहा है, इससे बहुत सारे अभी स्टडीज है कि ऐसे मैक्सिमम पोल्यूटेड सिटीज है अभी, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन कम हो गया बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हीकल मूवमेंट्स ये कम हो गया है, इससे बहुत सारा पोल्यूशन कम हो गया है, ये अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये जो अभी जो चल रहा है जो लॉकडाउन सिचुएशन, इससे मतलब बाद में पोस्ट लॉकडाउन में बहुत सारा मतलब अपना जो काम करने का ढंग है, आई थिंक ये मतलब इसमें बहुत सारा बदलाव आएगा, ये मेरा आशा है। क्योंकि वर्क मतलब जैसा भी लाइफस्टाइल है आदमी का वो चेंज हो सकता है, इसकी आशा है। ओके नेक्स्ट लेट मी कंटिन्यू रीडिंग फर्दर। ओके तो इससे पता लगता है ऐसे खनिज कोयले में कोयले के मूल में जो बड़े बड़े जंगल धरती में दबकर कोयले के रूप में आज प्रकट है, ऐसे दबने के पहले पहले के जंगल वही द्रव्य अपने में पचा पचा रखा है, किसी को अपना खाद्य पदार्थ बनाकर आकाश चुंबी वृक्ष बने रहे होंगे। तो मतलब जैसे जैसे बड़े बड़े मतलब ट्रीज है वही दबकर नीचे गए हैं एंड उसके बाद में कोयला बना है। उसका कोयले का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितना कोयला कितना बड़ा पेड़ होना चाहिए कितना कोयला बनने के लिए। तो आगे मैं सेंटेंसेस पढ़ता हूँ। तो ऐसे आकाश चुंबीता के परिकल्पना को धरती में बनी हुई खनिज कोयले के मोटाई के आधार पर किया जाना स्वाभाविक है। तो ये जो धरती में दबकर जो कोयला बना है उसका जो लेंथ देखते हैं, थिकनेस देखते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि कितना बड़ा पेड़ था वो। तो वर्तमान में कहीं कहीं कोयले कोयले की 150 से 180 मीटर मोटाई की परत बिछी है, मतलब लेयर्स है ये। इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि कितने बड़े बड़े वृक्ष रहे होंगे। ओके तो 150 to 180 मीटर्स का जो लेयर्स है उतना बड़ा कोयला है। तो एक्चुअली 1:10 रेशियो में ये एक्चुअली कोयला बनता है। अगर 10 मीटर्स लकड़ी है तो उसका 1 मीटर कोयला बनता है, यही एक असेसमेंट है। 1 मीटर कोयला होने के लिए कम से कम 10 मीटर वृक्ष की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सघनता गणितीय विधि से सभी समझ सकते हैं, तो कैलकुलेट करके अपने को अपन इजीली समझ सकते हैं। इस प्रकार अपार कोयला बनने के लिए कितने बड़े वृक्षों वृक्षों का जंगल रहा होगा। गणितीय विधि से ही इसको निकाला जा सकता है। सामान्य परिकल्पना में समाना ही बहुत मुश्किल है। तो परिकल्पना में यही यही लाया जा सकता है कि आकाश चुंबी सघन जंगल रहे होंगे। तो एग्जैक्टली अपने को कैलकुलेट करना है तो देन वी कैन डू दिस प्रोसेस। बट कोयला जब धरती में अपने को मिलता है तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े वृक्ष नीचे धरती के अंदर दबकर कोयला बना होगा। तो अभी आगे के सेंटेंस में पढ़ता हूँ। ऐसे जंगल भूमि के अंदर दबकर सैकड़ों हजारों वर्षों में कोयला हुआ होगा। तो कोयला भी जैसे दब गया है तो इमीडिएटली कोयला नहीं मिलेगा, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर बिकमिंग कोल। तो वही जंगल प्राणघातक वायु कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाता रहा होगा। तो अभी अगर जंगल है तो वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को पचा रहा है, और उसके बाद में जब कोयला बन गया है उस कोयले को जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है जो प्राणघातक है। तो यही मतलब कह रहे हैं। तो फिर एक बार वो सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। ऐसे जंगल भूमि के अंदर दबकर सैकड़ों हजारों वर्षों में कोयला हुआ होगा। वही जंगल प्राणघातक वायु को पचाता रहा होगा। अब वही कार्बन मोनोऑक्साइड को पैदा कर रहा है। तो जो जो लकड़ी था वो कोयला बन गया, जब कोयले को जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। तो विच इज डेंजरस टू ह्यूमन बींग। अभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पचाते हैं, ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। सो इट इज टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड गिविंग ऑक्सीजन। बट कोयले को जलाते हैं तो
like it is using for burning itself, it is using oxygen but giving carbon monoxide. That is the biggest trouble which human being has right now. इसके लिए alternate sources of energy निकालना चाहिए. तो उसी का description बाबा जी ने यहाँ किया है, बहुत सुंदर तरीके से किया है. तो we'll discuss that in the next few paragraphs. Okay. इस बात का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि इस धरती के लिए इसका प्रयोजन क्या है. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोजन क्या है, वो तो नहीं है, तो फिर क्यों जला रहे हैं हम. तो इतने पढ़े लिखे हैं हम, इतना पढ़े लिखे हैं, मगर why we are not able to search the alternate source of energy when oxygen या petroleum या खनिज कोयला, खनिज तेल जो है, इसको जलाकर अपनी बर्बादी को ही हम मतलब accelerated way में आगे जा रहे हैं. तो इसका alternate है क्या, नहीं है. तो ये बहुत मतलब burning issue है अपने सामने. okay, तो आगे पढ़ता हूँ. अभी हम इस बात को समझ चुके हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, मगर why we are not able to search the alternate source of energy when oxygen या petroleum या खनिज कोयला, खनिज तेल जो है, इसको जलाकर अपनी बर्बादी को ही हम मतलब accelerated way में आगे जा रहे हैं. तो इसका alternate है क्या, नहीं है. तो ये बहुत मतलब burning issue है अपने सामने. okay, तो आगे पढ़ता हूँ. अभी हम इस बात को समझ चुके हैं कि कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है. तो कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है, राइट. दैट मींस व्हाट, कार्बन ऊष्मा जो है कोयला अंदर लेता है, वातावरणीय ऊष्मा को अपने में ज्यादा से ज्यादा समा लेता है. इट मींस कोल हैज ए प्रॉपर्टी टू अब्सॉर्ब टेम्परेचर एंड कीप इट इनसाइड एंड स्लोली डिस्ट्रीब्यूट. ओके, तो अभी एक इसमें बाबा जी मतलब एक्सप्लेन भी किया है, मैं धीरे धीरे पढ़ के आप फिर डिस्क्राइब करूंगा. इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि एक समान स्थली में कोयले को पोते, एक दूसरा समान स्थली में सफेद को पोते. तो ये कह रहे हैं कि ब्लैक पेंट एक जगह पे डालें. सो यू टेक 1 square meter एंड पुट ब्लैक पेंट एंड देन थोड़ी दूर में व्हाइट पेंट डाले, मतलब चूना जैसा व्हाइट डाले. तो व्हेन बोथ आर एक्सपोज्ड टू सन, उसके बाद में जब मतलब सन का टेम्परेचर, मतलब सन का डायरेक्ट किरण उसके ऊपर पड़ता है, थोड़ी देर के बाद में अगर अपन व्हाइट के ऊपर जाकर अपना पैर रखते हैं तो वहां पे कुछ टेम्परेचर अपने को दिखता है. वैसे ही जो कोयले का पेंट डाले हैं वहां पे जाकर अपन पैर रखते हैं तो वहां पे ज्यादा टेम्परेचर अपने को महसूस होता है. तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब्स लॉट ऑफ हीट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट वेरी वेरी स्लोली. दैट मींस कोयला हैज दैट प्रॉपर्टी टू अब्सॉर्ब द टेम्परेचर, वेर एज व्हाइट विल रिफ्लेक्ट दैट. तो इसलिए वो वहां पे ठंडा लगता है. तो आजकल मतलब समर में बहुत सारे घरों के ऊपर अपन व्हाइट पेंट डाल रहे हैं तो उसके लिए वो रिफ्लेक्ट करता है ताकि घर पूरा ठंडा रहे. मगर अपना जो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो कि आसपास का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ही अपने लिए कंफर्टेबल रहना चाहिए, उसके लिए अपन कर सकते हैं. ओके, तो इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि, एक बार फिर पढ़ रहा हूं, इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि एक समान स्थली में कोयले को पोते, एक दूसरे समान स्थली में सफेद को पोते. कड़ी धूप के समय कोयला जहां पोता रहता है वहां पैर रखने से गर्म लगता है. सफेद जहां पोता रहता है वही कम गर्म लगता है. इन दोनों के बीच की स्थितियों को भी अन्य जगहों में देखा जा सकता है. तो कहीं भी मतलब किसी भी जगह पे हम ये करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट. लेकिन लाइक कंक्लूड फॉर आवर सेल, जहां पे ब्लैक सरफेस है, ब्लैक कोटिंग है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा अब्सॉर्ब होता है, व्हाइट कोटिंग है वहां से रिफ्लेक्ट होता है. इससे यह पता लगता है कि कोयला ज्यादा से ज्यादा ताप को अपने में पचा लेता है. तो अभी जो कोयला जो अपने में जो गर्मी है, जो टेम्परेचर उसको पचा रहा है, तो वैसा ही ये कोयला अगर धरती के अंदर है तो धरती के ऊपर जितना भी मतलब हीट आ रहा है वो पचाने के काम में आता है. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि उस कोयले को मतलब खोद के निकाल रहे हैं, इसके वजह से ये टेम्परेचर ऑब्जर्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. इसीलिए जितना भी टेम्परेचर है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते जा रहा है
उससे एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसे कि अपने जो सन से जो जितना भी टेम्परेचर आ रहा है उसका 30% वो ट्रैवलिंग में अब्जॉर्ब हो जाता है वो टेम्परेचर, तो उसके बाद में दूसरा 30% ये ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होकर चले जाता है। उसके बाद में जो भी बचता है वो धरती को टच जो करता है तो उससे धरती जो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हम कम कर रहे हैं वो कोयला निकाल के, इसीलिए जहां पे कोयला निकाल रहे हैं उसके आसपास में टेम्परेचर बहुत रहता है। जैसे हमारे पास ये मतलब ये तेलुगु स्टेट में आंध्र प्रदेश में एक रामगुंडम करके जगह है, वहां पे वेरी वेरी हाई टेम्परेचर रजिस्टर होते हैं बिकॉज वहां पे ये कोल माइनिंग होता है वहां पे, तो अन्य जगह पे भी होता होगा ऐसा ही टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ दिस कोल माइनिंग। ओके भी मतलब आगे स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ओके तो इससे हमको यह पता लगता है कि कोयला ज्यादा से ज्यादा ताप को अपने में पचा लेता है, धीरे धीरे वितरित करता है, तो स्लोली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे कोयला और बहुत सारे मटेरियल्स में मेटल्स में भी ये प्रॉपर्टी है कि वो टेम्परेचर को जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमको इसको समझना चाहिए और इसको है ना मतलब धरती में बचा के रखना चाहिए ताकि हम बैलेंस्ड स्टेट में रहे। ओके तो इस प्रमाण से हमें यह समझ में आता है कि इस धरती पर पहुंचने वाली ब्रह्मांडीय ऊष्मा इससे इसमें सबसे अधिक सूर्य ऊष्मा, तो सन के पास में धरती सन के पास में इसलिए सन से जो अपने को टेम्परेचर आ रहा है तो वो ज्यादा अपन अब्सॉर्ब करते हैं, तो धरती के अंदर ऐसा ऐसा प्रॉपर्टीज रहने वाले मटेरियल्स है और मेटल्स है कि वो ज्यादा टेम्परेचर जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं और धीरे 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 वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ओके तो लेट मी जस्ट लुक एट इट वंस अगेन। या इस प्रमाण से हमें यह समझ में आता है कि इस धरती पर पहुंचने वाली ब्रह्मांडीय ऊष्मा इसमें सबसे अधिक सूर्य ऊष्मा इस धरती पर पचाने की आवश्यकता रही, तो सन का जितना भी टेम्परेचर है उसको वी हैव टू अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज दैट, मतलब डाइजेस्ट करना पड़ेगा उसको। सो क्योंकि धरती अपने में ऊष्मा संतुलित को बनाए रखने के उपरांत ही धरती के सतह पर हरियाली सुरक्षित है, तो ये जो टेम्परेचर कुछ हद तक टेम्परेचर बना रहता है तो तभी ये लाइफ फॉर्म के लिए यूज होता है, तो वही कह रहे हैं बाबा। ओके क्योंकि धरती अपने ऊष्मा संतुलन को बनाए टेम्परेचर बैलेंस रखने के उपरांत ही धरती की सतह पर हरियाली सुरक्षित रही। हरियाली सुरक्षित रहने के उपरांत ही क्रिम कीट जीव जानवर का प्रकटन, उसके उपरांत ही मानव का प्रकटन होना क्रमिक रचना वैभव के रूप में हम मानव को समझ में आता है। तो ये मतलब लाइफ फॉर्म जो टेम्परेचर बैलेंस है, टेम्परेचर बैलेंस के साथ साथ ही ये जो लाइफ फॉर्म स्टार्ट होता है उसके बाद में ही जीव जानवर और उसके बाद में आदमी का प्रकटन होने के लिए ये है। तो ये अभी दूसरे धरतियां भी जो है उसमें भी यही प्रोसेस होने वाला है, लाइक स्टेप बाय स्टेप और टाइम टू टाइम। ओके मीन टाइम्स टू कम। ओके इस वैभव के मूल में धरती अपने में ऊष्मा संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख उपलब्धि रही है, मतलब एनर्जी बैलेंस जो है मतलब ये जो टेम्परेचर का जो बैलेंस है वो अर्थ को बैलेंस रखना है, तो उसको आदमी समझ सकता है, वो बैलेंस को ना बिगाड़े इसका आदमी मतलब स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करने के बाद ये तो बेसिक एजुकेशन है। सो व्हाट आई हैव टू डू सच दैट आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द लार्जर डायनेमिक्स ऑफ द अर्थ। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, मतलब अर्थ का बैलेंस को बनाने के लिए कोई योगदान नहीं है, मगर आदमी जो काम कर रहा है उससे ये बैलेंस बिगड़ रहा है टेम्परेचर का। ओके तो बैलेंस बना रहना ऑलरेडी इट इज देयर इन द नेचर। ओके इसी कोयले में समाहित तेल ही धरती में खनिज द्रव्यों के साथ परिपक्व होकर खनिज तेल के रूप में उपलब्ध हुआ है, इसका भी संरक्षण धरती के अंदर उचित वातावरण के
रक्षा कवच के साथ बना ही रहा है। तो अपन ये जो गैस निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं और तेल निकाल रहे हैं, इससे धरती का बहुत नुकसान हो रहा है। जब धरती का नुकसान होता है तो आदमी का ही नुकसान होता है, तो ये हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि हम डिपेंडेंट है धरती के ऊपर, धरती के ऊपर हम डिपेंडेंट है, तो उसको हमें समझना चाहिए और उसको उसको मतलब क्या बोलते हैं, उस बैलेंस को बिगाड़े बिना हमको उसका यूटिलाइज करना चाहिए। सुरक्षित रखने का तात्पर्य तेल, ओके, तेल तक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ना पहुंच देने के लिए वातावरण को बनाए रखना ही है। मतलब वहां पर जहां पर ये ऑक्सीजन जा रहा है वहां तक नहीं जाने देना, दैट मींस अगर वहां तक जाता है तो वो जल के राख हो जाता है, तो इसलिए वहां तक नहीं जाना है, ये बात कह रहे हैं। तो दिस वी हैव सीन सो मेनी places, lot of destruction has already taken place, उसके वजह से seasons बहुत बिगड़ गए हैं, and we are all facing that difficulty right now. इस प्रकार से हम इस तथ्य पर, इस प्रकार से हम इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि धरती की कंपनात्मक गति के समान रूप में संपूर्ण खनिज में कंपन और स्पंदन, उससे अधिक रासायनिक द्रव्यों में स्पंदन, उससे अधिक प्राणवायु में स्पंदन, फलस्वरूप रचनाएं इस धरती पर प्रकट है। तो इससे क्या है, क्या बता रहे हैं कि मटेरियल से ज्यादा ये मतलब प्राण में कंपन ज्यादा है, प्राण से ज्यादा जीव में कंपन ज्यादा है। सो ये जो रसायन द्रव्यों में कंपन ज्यादा है, तो ये वाइब्रेशन और वाइब्रेटिंग एनर्जी जैसे जैसा ऑर्डर बढ़ते जाता है तो उसमें ज्यादा है करके यहाँ बता रहे हैं। यह सब ऐसी संतुलन रचनाओं को प्रकट करने के अर्थ में इसके पूर्व भूमि में संपन्न संपूर्ण क्रियाकलाप है, अतएव यह सब नियम पूर्वक ही संपादित हुई है, नियंत्रण और संतुलन पूर्वक अवस्थाएं प्रकट है, इसे हम मानव को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और अनुशीलन पूर्वक संरक्षण संवर्धन विधि से स्वयं को व्यवस्थित कर लेने की आवश्यकता है। तो अपने को ये जो बैलेंस है इसको बार बार कह रहे हैं कि इसको समझना है और इसको व्यवस्थित रखना है। तो मतलब हम धरती का जितना भी मतलब मटेरियल से लेके केमिकल, मतलब चेंज ऑफ वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये सबको हमको समझना है, समझने के बाद उसको व्यवस्थित रखना है। तो हमको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे नए नए इन्वेंशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो जो इन्वेंशन ऐसा हो रहा है कि वो ये जो लार्जर डायनेमिक्स ऑफ अर्थ है उसके अंदर फिट नहीं हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये प्लास्टिक है, ओके, ये पॉलिथीन कवर्स है। जब ये पॉलिथीन कवर्स का इन्वेंशन हुआ था उस समय अपन ऐसा सोचे थे कि बहुत मतलब बहुत अच्छा आविष्कार हो गया, इससे हमको बहुत कन्वीनियंस मिलेगा। अभी बहुत ही कम सालों में, जस्ट फ्यू डिकेड्स में हमको ये पता चल गया कि इससे हमको दूर भागना है। तो ये जब भी एक जो भी कोई नया चीज आता है तो ये एडवांस्ड स्टेट्स, एडवांस्ड कंट्रीज, ये जो बोलते हैं ना अपन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज, वहां पे चालू होगा। उसके बाद में जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उसको फैशन के रूप में लेने लगेंगे। धीरे धीरे अभी ये गांव में पहुंच गया है। अभी शहरों में बहुत सारा कॉन्शियसनेस आ गया है कि प्लास्टिक हमको यूज नहीं करना है, पॉलिथिन यूज नहीं करना है, प्लास्टिक फ्री बनाना है, ये सब कुछ। मगर ये विलेजेस के अंदर इतना फैल गया है कि उसमें से निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो उसके लिए बहुत सीरियसली मतलब हम सबको एजुकेट होना पड़ेगा कि जो भी नया आविष्कार हो रहा है, नया इन्वेंशन आ रहा है, उसका लॉन्ग टर्म में कितना लॉस हो रहा है इसको हमें समझना चाहिए। जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उसके लिए मैं मतलब कुछ एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आयरन, तो आयरन धरती में बनने के लिए बहुत साल लगता है, कम से कम मतलब असेसमेंट ये है कि कम से कम 2 से 3 हजार साल लगता है आयरन बनने के लिए। जब आयरन को बाहर हम निकाल रहे हैं, उससे जो घर या कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको रस्ट होने में मतलब मैक्सिमम 100 ईयर्स लग जाते हैं, बस उतना ही। 3000 साल बना है, अगर 100 ईयर्स में रस्ट हो रहा है वो। मगर एज कम्पेयर टू दैट, अगर लकड़ी को देखते हैं तो वो 50 साल में ही मतलब पूरा
कंप्लीटली वुड वुड या टिम्बर अपने को मिलता है, अगर उससे अपन कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करना है तो उससे जो कंस्ट्रक्शन बनता है तो वो आराम से 300-400 साल टिक सकता है। मगर अभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कि ये जो नेचुरल मटेरियल्स है उसको यूज करना ये इट्स समथिंग लाइक आउट ऑफ फैशन है, या तो फिर मार्केट में वायबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे आगे लाया जाए। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, मतलब जो भी अपन यूज कर रहे हैं वो धरती से ही आता है, तो वो नॉट मोर देन 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है। इफ इट इज ट्रेवलिंग फॉर मोर देन 50 किलोमीटर दैट मीन्स इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ डैमेज टू नेचर। तो ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं सफल हो जाएंगे। तो ये मतलब विद्या से ही समझ में आया ये बात कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कैसे, मतलब धरती से जो निकल रहा है कैसे यूज करना है फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अभी आगे पढ़ता हूँ। मानव के व्यवस्थित होने के मूल में ज्ञान विज्ञान विवेक का संगीतमय कार्यकलाप स्पष्ट रहने से है। यही मैं बता रहा था कि जो धरती का बैलेंस है उसको ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए, उसको समझने के बाद उसको कैसे डे टू डे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे फील्ड में कंस्ट्रक्शन में कैसे उसको लाएं, इस बात को समझ के उसको कैसे अंदर लेके आए। तो और भी एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन से जो बिल्डिंग्स है वो 1951 जब फर्स्ट सेंसिस हुआ था उसमें 30 तरह के बिल्डिंग टाइपोलॉजीज थे, जैसे कि लकड़ी का मकान, बैम्बू का मकान, लाइक मिट्टी का मकान, ऐसा बहुत सारे मतलब गिनते हैं तो 30 बिल्डिंग वैरायटीज है। तो ये 30 बिल्डिंग वैरायटीज एनर्जी कंजर्व करते थे और उससे कोई धरती का डैमेज नहीं होता था क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहीं के आसपास में मिलता था। तो उससे लोकल टेक्नोलॉजी है, वो लोकल मटेरियल है, लोकल आर्टिजन है। So that means what local, उसी local area में market घूमता था and everyone knows how to construct that house. अभी क्या हुआ, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो बिल्डिंग्स का जो डिजाइन पढ़ाते हैं उसमें ये टॉपिक्स मतलब नहीं है, सिर्फ कॉन्क्रीट और स्टील पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बहुत कम कॉलेजेस में, जैसे कि 3000 से ज्यादा कॉलेजेस है, तो उसमें बहुत कम कॉलेजेस में ये अल्टरनेट जो नेचुरल मटेरियल्स है उसका ये क्लास होते हैं, मतलब उससे बिल्डिंग कैसे बनता है। जैसे कि हमारे ट्रिपलेट हैदराबाद में भी हम ये इंट्रोड्यूस करे हैं कि ये नेचुरल मटेरियल से बिल्डिंग कैसे बनता है। तो वही एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मानव को, या फिर एक बार सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मानव के व्यवस्थित होने के मूल में ज्ञान विज्ञान विवेक का एक संगीतमय कार्यकलाप स्पष्ट रहने से है। ओके, सो यही कार्यकलाप भाषा कार्य व्यवहार में नियोजित होकर प्रयोजनों को प्रतिपादित करता है। मानव का प्रयोजन समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। तो मतलब ये जो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है, मतलब इससे ही मानव सफल होता है। ह्यूमन टारगेट यही बोल रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, अगर वो है तो देन प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, देन फियरलेसनेस इन सोसाइटी, एंड देन फाइनली को एग्जिस्टेंस विद नेचर। तो ये को एग्जिस्टेंस विद नेचर होने के लिए पीस इन सोसाइटी चाहिए। पीस इन सोसाइटी के लिए अपने को हर परिवार समृद्ध चाहिए। हर परिवार समृद्धि के लिए हर मानव में समाधान और सही समझ और सही भाव चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और वन मोर पैराग्राफ पढ़ के आज मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो इस क्रम में मानव अपने तर्क से ऐसा सोचते हैं कि सूर्य विकसित होने पर स्वभाव गति धरती के लिए ऊष्मा कहाँ से मिलेगा। ओके, आई थिंक ये विचलित है, विकसित दिया है। टेम्परेचर कम होने से, मतलब सूर्य का जो टेम्परेचर कम होता है तो धरती को ऊष्मा कहाँ से मिलेगा, इस धरती पर यह हरियालियां कैसे रहेंगी। ये सब हरियालियां सूर्य प्रकाश के कारण है, अभी जो हरियाली है वो सूर्य प्रकाश के कारण है। इसमें समाधान का सूत्र हम स्वयं मानव में ही पहले कदम पे ही मिल जाता है। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसा होगा। मानव देह की निश्चित उष्मा, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ओके, जस्ट वन सेकेंड। या मानव देह की निश्चित उष्मा, दैट मीन्स टेम्परेचर,
उष्मा विधि से बनी हुई है। इसे हम अपने मापदंड के अनुसार 98 to 99 बोलते हैं, एग्जैक्टली 98.4 एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना। मापदंड का नाम थर्मामीटर माना जा रहा है। इस तथ्य को धरती पर जीता जागता मानव में देखा गया है कि जहां 0 degree Fahrenheit से नीचे तापमान है, दैट मीन्स माइनस भी है, वहां भी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर इतना ही है। जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, वहां भी मानव का टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही है, यही कह रहे हैं। इस तथ्य को धरती पर जीता जागता मानव में देखा गया है कि जहां 0 degree Fahrenheit से नीचे तापमान है, वहां भी मानव रहता है, वहां के मानव शरीर का तापमान भी इसी सामान्य तापमान के रूप में नापा जा सकता है। इस धरती पर 120 फारेनहाइट से अधिक ताप प्रभावित है, वहां भी मानव शरीर का वही सामान्य तापमान मापा जाता है, तो तभी मानव को स्वस्थ कहा जा रहा है। दैट मीन्स कितना भी टेम्परेचर रहने दीजिए, एम्बियंट टेम्परेचर या एटमोस्फियर में, मगर ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो वातावरण के अनुसार ताप यदि बदल जाता है तो रोगी कहलाता है। तो ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर अगर बदलता है तो देन वी आर सेइंग दैट पर्सन इज हैज अ डिजीज। ओके, तो इस प्रमाण के आधार पर धरती का स्वस्थ भी विचार किया जा सकता है। तो मतलब अर्थ का जो हेल्थ है उसको भी सोचा जा सकता है। धरती के वातावरण में जो ब्रह्मांडीय किरण और ताप परिवर्तित होकर धरती को स्पर्श करता है, उससे अधिक तापमान ना बढ़ने ना घटने के लिए ताप पाचक व्यवस्था को धरती अपने स्वयं में से संतुलन बनाए रखना पहले वर्णित हो चुकी है। तो ये मैं पहले भी बताया, तो अर्थ का एक जो टेम्परेचर जो मतलब एटमॉस्फेयर है वही उसको बचा रहा है। तो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो बोलते हैं ना, तो वो अर्थ के आसपास भी है, उसको हमें बिगाड़ना नहीं है। वो अगर बिगड़ गया तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम एंड लाइफ ऑन अर्थ विल बी डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मानव अपने अविवेक वश और प्रलोभन वश धरती का पेट फाड़ दिया, कोयले को निकाल लिया, धरती तापग्रस्त हो गई। कोई भी विज्ञानी और प्रौद्योगिकी संसार इस जिम्मेदारी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग हैज डिस्ट्रॉयड अर्थ बट ह्यूमन बीइंग इज नॉट एक्सेप्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही प्रॉब्लम है। इसका उपचार दरकिनार है। तो इस विधि से हम कहां पहुंचेंगे, क्या हो सकेगा? पहले दुष्परिणाम का स्वरूप है कि धरती किसी तादाद से तप्त होने के उपरांत इस धरती पर हरियाली, जीव जानवर, मानव रह नहीं पाएगा। तो जब एक लिमिट से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल इटसेल्फ इज अंडर क्वेश्चन, दैट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अंडर क्वेश्चन। दूसरी स्थिति में धरती के तापग्रस्त होने के उपरांत उत्तर दक्षिण ध्रुव में जितनी भी बर्फ संग्रहित है उस सब के पिघलने की स्थिति में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर को छोड़कर सभी जगह में जल मग्न की स्थिति हो सकती है। इससे मतलब जो मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके, एट द पोल्स ऑन लाइक हिमालयास, ये आइस मेल्ट होके ये लेवल ऑफ वाटर विल राइज, सो दैट इज अनदर बिग डेंजर। सो ऐसी स्थिति में मानव की क्या हालत हो सकती है, सभी सोच सकते हैं। तीसरा दुष्परिणाम की स्थिति यह भी हो सकती है कि इस धरती पर जब कभी पानी के रूप में यौगिक क्रिया संपादित हुई तब एक जलाने वाले द्रव्य के सहज रूप में जुड़ने की स्थिति बनी ही होगी। मतलब वाटर जब बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से दोनों मिलने के बाद ये बना है, उस समय जलने वाला जलाने वाला उपद्रवियों दोनों को सामान्य बनाए रखने के लिए एकमात्र ब्रह्मांडीय किरण ही उपदेही रहा है। ओके, ऐसे ब्रह्मांडीय किरण बना विकिरण और विकिरणीयता के संसार को आज का मानव पहचान चुका है। ये समझ, ह्यूमन बीइंग हैज अंडरस्टूड दैट इट हैज फॉर्म्ड लाइक दैट। इस बात को ध्यान में रखने पर निम्न वर्णित
कल्पना ध्यान में आती है, भले ही उक्त घटना घटित ना हो। तो आज हम अपने ही अविवेक और प्रलोभनवश धरती को तापग्रस्त करते जा रहे हैं। परिणाम में धरती का सुरक्षा की संभावना न्यून हो रही है, हो गई है। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि जैसा अभी अपन चल रहे हैं, अगर वैसा ही चलेंगे तो we will not survive on earth, that is a big danger। परिणाम में धरती की सुरक्षा की संभावना न्यून हो गई है। प्राणवायु की मात्राएं शनै शनै घटने लगी है। प्राणवायु विरोधी द्रव्य बढ़ने लगा है। इसी को हम प्रदूषण कह रहे हैं। सो ये दीज आर फोर प्रॉब्लम्स व्हाट हैज कम आउट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो एक है राइजिंग टेम्परेचर, दूसरा दुष्परिणाम है मेल्टिंग ऑफ आइस, तीसरा दुष्परिणाम है पोल्यूशन। ओके, इसके बाद में फोर्थ वन है जो मैं कल डिस्क्राइब करूंगा। जैसा कि एक मैग्नेटिक जो मटेरियल है या मैग्नेट है, उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है, तो दैट मीन्स इट मे नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग। So, वैसा ही अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ते गया तो देन ये उसका मैग्नेटिज्म अगर छूट गया तो देन व्हाट विल हैपन टू अर्थ एंड इट्स ग्रेविटी। सो ये डेंजर है। तो मैं आज यहाँ पे विराम लेता हूँ। तो कल 9:30 बजे फिर मिलेंगे। सो थैंक यू। और मेरा हिंदी पढ़ने का स्पीड थोड़ा कम है, इससे मैं सबको क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी बीच में मतलब अटकाव आ रहा है, तो कल फिर ठीक से पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं नरेंद्र यादव भाई साहब का ले रहा हूँ। तो उन्होंने ये लिखा था कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्पेस, So, मैं इसको ऐसा ले रहा हूं कि उन्होंने ये पूछा है कि आउटर स्पेस का टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअली स्पेस जो सूरज और धरती के बीच में और धरती और चांद के बीच में जो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस का कोई टेम्परेचर नहीं रहता है। तो उसका एक्चुअली उसको साइंस में ये कहा जाता है कि उसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। अगर उसको नापना है तो किसी वस्तु को रख के वहां पे और उस वस्तु का ही टेम्परेचर को नाप सकते हैं। तो वस्तु का टेम्परेचर मतलब उस जगह पे होता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या -454 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि स्पेस में कोई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि स्पेस है ना आवेशित नहीं है। मतलब जो भी आवेशित है उसमें ही टेम्परेचर का बढ़ना होता है, आवेशित जो है उसमें टेम्परेचर होता है। तो जो आवेशित है वो अपना टेम्परेचर को बांटते रहता है आसपास में, देन धीरे 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 उसका टेम्परेचर कूल हो जाता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो सहज स्थिति में है, जो आवेशित स्थिति में नहीं है, जो सहज स्थिति में है वही अपना भागीदारी अच्छे से कर सकता है। मतलब अब जो लार्जर डायनेमिक्स में अच्छे से कर सकता है भागीदारी। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न है प्रतिभा गुप्ता जी का। तो कार्बन ऊर्जा क्या है, इसके बारे में उन्होंने पूछा है कार्बन ऊर्जा क्या है। तो इसको थोड़ा डिटेल आउट करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो कार्बन ऊर्जा ये है कि जब कार्बन को हम जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, मतलब जो भी जलाते हैं तो उससे जो निकलता है तो वो कार्बन ऊर्जा है। जैसे कि मतलब सूरज से जो भी ऊर्जा आ रहा है, जैसे पेड़ को लेते हैं, तो पेड़ को जब लेते हैं तो पेड़ क्या कर रहा है कि सूरज से सनलाइट को ले रहा है और धरती के अंदर से पानी को ले रहा है और आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहा है। वो सब लेने के बाद वो क्या करता है, वो दो चीजों में उसको डिवाइड करता है। एक तो ग्लूकोज बनाता है अपने लिए, तो जिससे मतलब उसका ग्रोथ हो, और
ऑक्सीजन को बहिर्गत करता है, तो ये दो करता है। तो अभी अपन कर क्या रहे हैं कि अगर पेड़ों को अगर निकाल दिए हैं तो कार्बन जो है, जो पर्यावरण में जो कार्बन है, कार्बन को अंदर लेने वाला कोई बचेगा नहीं। तो धीरे धीरे कार्बन को जो अंदर ले रहा है, जैसे कि पेड़ है, तो वो अंदर लेना मतलब का जितना भी सरफेस एरिया में है वो कम होते जा रहा है। जैसे जंगल कम हो रहा है, इसलिए कार्बन जो पचाता है वो कम हो रहा है। तो जब कम होता है तो कार्बन एनवायरमेंट में और बढ़ा रहे हैं हम। कैसे बढ़ा रहे हैं? हम जलाकर ये बढ़ा रहे हैं। तो जो भी कोयला जलाते हैं तो फिर मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होता है, तो कार्बन बढ़ रहा है एनवायरमेंट में। जब कार्बन एनवायरमेंट में बढ़ता है तो कार्बन का लेयर जो एक मात्रा में है, जो थिकनेस है उसका, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसा बना रहता है। तो वो अगर वो प्रोटेक्टिव कोटिंग का थिकनेस ज्यादा बनता है तो उससे बहुत सारा मतलब हानि होती है धरती को। तो इसके लिए मतलब मैं दूसरे प्रश्न में जा रहा हूँ, तो उसका उत्तर, इसका उत्तर दोनों एक साथ में कंप्लीट हो सकता है। ये प्रश्न है वसुंधरा महेश्वरी जी का, इज दिस वन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर अपन देखते हैं, मतलब सूरज से जो भी मतलब रेडिएशन के साथ जो एनर्जी आ रहा है, जो भी एनर्जी टेम्परेचर मतलब आ रहा है धरती की ओर, तो उसमें ये जो ट्रांसमिशन है मीडियम के अंदर कुछ परसेंटेज घटता है। सो अराउंड 20-30% ये ट्रैवलिंग में घट जाता है। उसके बाद में अर्थ का जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है, उस कोटिंग से रिफ्लेक्ट होके और कुछ मतलब एनवायरमेंट में चले जाता है। उसके बाद में धरती को टच करने के बाद रिफ्लेक्ट भी होता है कुछ एनर्जी, तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो हीट धरती को टच करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड हीट है वो कार्बन का थिकनेस मतलब अर्थ के अराउंड ये जो कार्बन लेयर का थिकनेस है वो ज्यादा होने की वजह से वो एस्केप नहीं हो रहा है, वो फिर अंदर ही है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे क्या है कि धरती का जो मतलब एम्बियंट टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसी के साथ हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो जब आ रहा है तब उसका ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं, वो थिकनेस जो भी है, और जब बाहर जा रहा है उसका ऑब्स्ट्रक्शन है। इसका कारण ये है कि जो सन से जो आ रहा है उस वेव का, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। धरती को टच करने के बाद जो बाहर जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो इसीलिए कम फ्रीक्वेंसी वाला ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है उससे टकरा कर फिर धरती के वो जो लेयर के अंदर ही रहता है, इसके वजह से वो टेम्परेचर ज्यादा महसूस होता है। इसका और एक भी प्रॉब्लम है कि लेसन पढ़ के जो बता रहा था, तो उसमें क्या है कि ये कोयला है ना, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके धीरे 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 वो बहिर्गत करता है। तो अभी कोयले को भी निकाल रहे हैं तो ऑब्जर्व करने वाला भी नहीं है। जितना भी टेम्परेचर अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ऑब्जॉर्प्शन मटीरियल हम निकाल रहे हैं, तो इससे ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम हो गया। तो इससे सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ ज्यादा से ज्यादा मतलब बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद में बहुत सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं इसके साथ। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन का उत्तर है। और फाल्गुनी लोखिल जी, तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा, ब्रह्मांडीय किरण और ब्रह्मांडीय उष्मा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ब्रह्मांडीय किरण, जब ब्रह्मांडीय उष्मा ये है कि किसी वस्तु को टच करने के बाद ही वो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, तो किरण जो आता है आने के बाद स्पेस में एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ नहीं रहता है, जैसा कि मैं पहले बताया, तो एब्सोल्यूट जीरो है। वो किसी वस्तु में ही टेम्परेचर होता है। इसका मतलब है कि जो आवेशित है तो वो सहज गति में आने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो आवंटन कर रहा है। तो जो उससे कम आवेशित है उसमें ये आवेश प्रवेश होता है, तो ये भी और उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। तो दैट मीन्स ये रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट अपन छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यवस्था में भी देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्जांपल है कि अपन एक वेसल में अगर तेल गर्म करते हैं, नीचे आग लगा के तेल गर्म करते हैं, तो तेल गर्म हो जाता है। तो गर्म तेल को हम आवेशित है या सहज स्थिति में है क्या कह सकते हैं? तो गर्म तेल आवेशित है, तो आवेश को ठंडा होना चाहिए। तो उसमें अपन कुछ मतलब लाइक पूरी या पकोड़ा या कुछ समोसा कुछ भी डाल के उसमें तल रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है कि ये
पूरी आलू समोसा वॉट एवर इट इज, तो वो उसको उस टेम्परेचर को ले रहा है, लेने के बाद इससे दोनों का फायदा हो रहा है। जैसे कि ये आटा मतलब पूरी में बदल रहा है तो वो अपने लिए मतलब यूजफुल चीज है, और ये तेल सहज स्थिति में आ रहा है तो एक है ना ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे में, तो उससे मानव अपने उपयोगी उपयोग उपयोग के लिए बहुत सारे चीजों को मतलब उपयोग में ला सकता है इसको जो भी आवेश है। तो मानव ही एक ऐसा कर सकता है, जैसे कि मैं कल बताया था लाइक पहचानना निर्वाह करना वस्तुओं में है, और मानव में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ये चार है। तो ये जानने के आधार पर ही अपन अपने लिए जो भी उपयोगी वस्तु है उसके लिए एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ना कि ये जो प्रोटेक्टिव कवर है इसको बर्बाद करके हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अभी आजकल जो देख रहे हैं हम, इससे बहुत सारा जो भी नुकसान है वो हम देख ही रहे हैं। तो इससे हमको ये एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अभी इसको बंद करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे और अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद में पांचवा प्रश्न है संदीप प्रकाश जी का, कंपन और स्पंदन में डिफरेंस क्या है? तो कंपन का मतलब है वाइब्रेशन, ओके, और स्पंदन ये प्राण कोशा में शुरू होता है। स्पंदन जो है वो लाइक रेस्पिरेशन जो बोलते हैं ना, ऑक्सीजन को मतलब अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना बाहर छोड़ना व्हाटएवर, तो उसको बोलते हैं स्पंदन। सो स्पंदित होना सेल से स्टार्ट होता है, और कंपन मेटेरियल ऑर्डर में भी रहता है। कंपन कंपन और स्पंदन में ये डिफरेंस है, जहां तक मैं जानता हूँ ये डिफरेंस है, और इसके और भी मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो सकता है जो अभी मैं नहीं जानता हूँ। ओके, और फाल्गुनी लोखिल जी पूछा है कि अग्रिम रचना में स्पंदन बढ़ने के क्या क्या फैक्टर्स है अग्रिम रचना में? तो अग्रिम रचना मैं समझता हूँ मानव को ले रहा हूं, तो इसमें ये स्पंदन का बढ़ना या घटना, तो ये क्वेश्चन मेरे को ठीक से मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए उत्तर सही नहीं दे पा रहा हूँ। और लाइक जो एडवांस्ड एंटिटीज है उसमें आवेश का बढ़ना, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी है, इस आदमी में आवेश का बढ़ना का मतलब है काम क्रोध मद मात्सर्य, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हम इसको ऐसा बोलते हैं कि काम आवेश लोभ आवेश ये सारे आवेश है। तो ये आवेश में मूल का आवेश, इस आवेश का जो मन में हो रहा है इसका मूल कारण है वृत्ति में हट, मतलब अपने जो विचार सोच विचार है उसमें हट है। ओके, तो एडमेंटनेस है, तो इसका एक कारण है कि अपना जो चित्त है इसमें भ्रम है। ओके, तो मतलब वास्तविकता से भिन्न जो भी अपन इमेजिन करते हैं वो उसको भ्रम बोलते हैं। तो भ्रम का ये मूल कारण क्या है कि बुद्धि में अहंकार है, तो बुद्धि में अहंकार उसके कारण चित्त में भ्रम, उसके कारण वृत्ति में हट, उसके कारण मन में आवेश। तो मन में आवेश कैसा अपने को पता चलता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये चैतन्य इकाई में। अगर जड़ इकाई में अपन देखते हैं तो आवेश क्या है? ध्वनि विद्युत ताप, सो इन तीनों से अपन बता सकते हैं कि ये मतलब जड़ इकाई मतलब जड़ परमाणु में आवेश ऐसा होता है, और चैतन्य परमाणु में आवेश काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये आवेश को है ना प्रयोजन से जब जोड़ते हैं तो वो अच्छे के लिए यूज हो सकता है। ओके, मतलब आवेश को प्रयोजन से जोड़ देते हैं तो अच्छे के लिए यूज हो सकता है। मतलब प्रयोजन कब समझ में आता है? जब अपने अंदर समझदारी है, या अपने अंदर अगर समझ की कमी है तो एकमात्र उपाय ये है कि हम किसी का गाइडेंस ले ले, जो अच्छे आदमी है अपने से आगे आदमी है जो अपन मानते हैं उनको, उनका गाइडेंस लेके अपन आगे जाए, ये एक सोल्यूशन है। और संदीप प्रधान भाई साहब ने एक पूछा था कि कल मैं शुरू में एक अर्थ मून इसका रेडियस के बारे में एक लिंकेज बताया था, तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए बोला था, तो उसमें मैं फिर एक बार उसको ही दोहरा रहा हूँ। तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस है तो 6400 किलोमीटर, उसका डायमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो उसका डायमीटर, तो अर्थ का डायमीटर को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे अपने को सूरज का डायमीटर मिलता है, और सूरज का डायमीटर को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अर्थ और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिलता है। तो ये जो लगभग ये नंबर 108 इसमें फिट बैठता है, मतलब इसको याद करने के लिए डिस्टेंस और डायमीटर के बीच में जो रिलेशनशिप है
इसको याद करने के लिए अपने को इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में मून को देखते हैं, तो मून का 3,500 किलोमीटर उसका डायमीटर है और उसको 108 times मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमको धरती और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो पता चलता है। और अपने ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में ये 108 की विशेषताएं और भी बहुत हैं, तो जो मतलब साइंस में कुछ फिट होते हैं कुछ फिट नहीं होते हैं उन सबका बहुत सारा जानकारी मुझे नहीं है, मगर ये मतलब विज्ञान को पढ़ते हैं और ये एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये इसका विशेष मतलब 108 का विशेषताएं बहुत सारे वहां पे लिखित रूप में मिलेंगे। तो मैं इसी को इसको यहीं पे मैं रोकना चाह रहा हूँ। ओके और या तो ये प्रश्न थे अब तक के, तो मैं इसको मतलब जो भी अगर कमी है उत्तर में तो फिर बाद में अपन चर्चा कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़ना चाह रहा हूँ। ओके एक मिनट में ओपन द फाइल, डिटेल में पढ़ा था तो आज चौथा पढ़ेंगे, वो तीन मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। धरती के ऊपर ताप का बढ़ जाना पहला विपदा है, दूसरी विपदा है ये ताप बढ़ जाने से आइस का मेल्ट होना, ये दूसरी विपदा है। ओके तीसरी विपदा है ये पोल्यूशन, तो तीन विपदाएं हैं। ओके तो इसके साथ साथ और एक विपदा है जो चौथा है, तो वो मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ओके सो चौथी विपदा, धरती के तापग्रस्त होने के आधार पर धरती के चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र का विचलन होना भी एक संभावना है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक जो पोल्स है तो वो विचलित हो जाते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट को अपन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका एक वो जो कैपेसिटी है अट्रैक्शन वाला वो लूज कर जाता है। तो अपन मतलब स्कूल में साइंस में पढ़े ही होंगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये चुंबकीय धारा जो है वो कंप्लीटली फाइल रन करते रहता है कंटिन्यूअसली। अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो धरती विचलित होने की संभावना है, यही मतलब बाबा जी यहाँ कह रहे हैं। सो इस धरती में उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच स्वयंस्फूर्त विधि से चुंबकीय धारा अथवा चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है। ओके तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक जो लाइंस है ओके तो वो बनी हुई है, तो इस बात को भी स्वीकारा गया है साइंस में। इसी आधार पर दिशा सूचक यंत्र तंत्र बनाकर प्रयोग कर चुके हैं, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर ऑल द थिंग्स, जैसे ये जो जहां पे जितना ग्रेविटी है ओके ये इसके हिसाब से ही मतलब ये मिसाइल्स का उड़ना रॉकेट्स का उड़ना ये सब तय किया जाता है पूरा। इस विधि से जो ध्रुव से ध्रुव अपने संबद्धता को बनाए रखा है, इसके आधार पर ही धरती के ठोस होने का अविरल कार्य संपादित होता है तो होता रहा है। तो मतलब धरती मतलब अर्थ इंटैक्ट रहने के लिए ये बेसिक मेन रीजन है, मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिज्म जो अर्थ का है ये मेन रीजन धरती का एक जगह पे रहना, अगर जरा भी वो कम हो गया या ज्यादा मतलब कम हो गया या तो डिस्टर्ब हो गया तो ये अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है, देन एवरीथिंग हैज टू बी रिकैलकुलेटेड अगेन। ओके इससे धरती के परत से परत ऊष्मा संग्रहण पाचन संतुलनकारी संपदा संपादित होती है, मतलब ये जो मैग्नेटिज्म के हिसाब से ही लेयर बाय लेयर जो टेम्परेचर है इससे मतलब जो हीट को डाइजेस्ट करता है इससे ही बनता है ये। इससे धरती की स्वस्थता ताप के रूप में संतुलित रहने की व्यवस्था बनी है, तो ये बैलेंस स्टेट में इसीलिए है। अभी धरती के असंतुलित होने की घोषणा तो मानव करता है किंतु उसके उसके दायित्व को स्वीकारता नहीं है, इसलिए उपायों को खोजना बनता नहीं, फलस्वरूप निराकरण होना बनता नहीं। सो क्या है कि मतलब हम सब लोग ये कह रहे हैं कि लाइक अर्थ इज अनवेल, तो ये अनवेल का कारण ये है कि टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है अर्थ के ऊपर अर्थ के अंदर, तो
अर्थ इज बिकमिंग अनवेल, मगर वी नो दैट ओके अर्थ इज बिकमिंग अनवेल, बट हु विल फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब कौन इसका सॉल्यूशन देगा? तो जो भी सॉल्यूशन मैं दूंगा करेगा, तो वो उसको जिम्मेदारी को स्वीकारना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी को जब स्वीकारेगा तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बदलना ही पड़ेगा। तो मतलब जो कोई आदमी भी घोषणा करता है मैं आज से अच्छा होने वाला हूँ, चाहे दूसरे लोग अच्छा हो ना हो, इस आदमी की घोषणा को पकड़ के वो आप अच्छे नहीं है, आप अच्छे नहीं है करके बोलते हैं ना, वैसा ही ये अर्थ इज बिकमिंग अनवेल, अर्थ देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन इज टेकिंग प्लेस, ऐसा करके हम बोल रहे हैं, मगर इस जिम्मेदारी को ले नहीं रहे हैं। तो जिम्मेदारी को लेने के लिए हमारे अंदर जो एजुकेशन है ना, उसमें मतलब बहुत सारा परिवर्तन चाहिए कि जो आदमी मतलब जिम्मेदारी ले, ओके ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। ओके मैं और नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। इस क्रम में आगे और धरती में ताप बढ़ने की संभावना को स्वीकारा जा रहा है, यह इस बात के लिए आगाह करता है, ध्रुव से ध्रुव तक संबद्ध चुंबकीय धारा किसी ताप तक पहुंचने के बाद विचलित हो सकती है, इससे यह धरती अपने आप में ठोस होने के स्थान पर बिखरने लग जाना स्वाभाविक है। तो जैसा अभी मैंने कहा कि मैग्नेट को जब ज्यादा हीट करते हैं तो उसको वो मैग्नेटिज्म वो हो जाता है, तो जो भी मतलब उससे अट्रैक्टेड चीज है वो सब बिखरने लगता है, तो लगती है। तो यह बिखर जाने के बाद धूल के रूप में मानव की कल्पना में आता है, धूल के रूप में मतलब ईच पार्टिकल गेट सेपरेटेड बिकॉज वो मैग्नेटिज्म नहीं है तो सेपरेट हो जाएगा वो। इसके उपरांत मानव कहाँ रहेगा, जीव जानवर कहाँ रहेंगे, हरियाली कहाँ रहेगी, सो पानी कहाँ रहेगी, पानी की आवर्तनशीलता की व्यवस्था कहाँ रहेगी, सो ये सारे जो जितने भी अपन मतलब क्या बोलते हैं लॉजिकली सोच सकते हैं कि मैग्नेटिज्म अगर चला गया तो क्या होगा, तो आदमी को सुखी रहने के लिए ये सारे जितने भी अवस्थाएं हैं ये धरती पर रहना बहुत जरूरी है। तो अपन उसी से ही खेल रहे हैं, अज्ञानवश उससे ही खेल रहे हैं। सो ये सब विलोम घटनाएं मानव के मानस को काफी घायल करने की स्थिति में तो है। तो जब भी सोचते हैं तो इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, डेड एंड की तरफ जा रहा है, मगर इसका एकमात्र उपाय है कि हमको जिम्मेदारी लेना होगा। तो क्या क्या जिम्मेदारी लेना होगा, तो मतलब समझदारी, उसके बाद में ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ये सारे चीज है मतलब जो बाबा ने दूसरे चैप्टर्स में कहा है। समझ रहना चाहिए अपने अंदर, तो समझ है तो ही समृद्धि है, समाधान है तो समृद्धि है, अदरवाइज नहीं। समृद्धि नहीं है तो अपन कितना अपने को मतलब और चाहिए पता नहीं चलता है। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई स्लीप, जब मैं सोता हूँ मेरा बेड का साइज क्या होना चाहिए, तो मेरे से बड़ा हो गया तो बस है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि बाजू वाले के बेड से ज्यादा होना चाहिए, किसी और के बेड से ज्यादा होना चाहिए, यही अपने को बर्बादी के रास्ते ले जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं जो भी करेक्शन चाह रहा हूँ अपने से ही शुरू होना चाहिए, तो ये मतलब जिम्मेदारी की ओर अपने को ले जाएगा। तो उसके बाद में क्रमिक रूप से करेक्शन के आफ्टर करेक्शन 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 होते होते मतलब एक जगह पे होगा कि मैं मिस्टेक ही नहीं करूंगा, ओके ऐसा एनवायरमेंट बन जाएगा। ओके इसके उपचार का उपक्रम यही है कि कोयला और खनिज तेल से जो जो काम होना है उसका विकल्प पहचानना होगा। तो अभी ये अर्थ के बारे में जो मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म जब बिखर मतलब कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उससे अर्थ बिखरने लगता है, इससे बचाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए कि जो सूरज से जो टेम्परेचर मतलब हीट जो धरती को पहुंच रहा है तो उसमें जो जो भी उपयोगी है हम उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद में जो बाहर फिर रेडिएट होके अर्थ से रेडिएट होके बाहर जा रहा है उसके जाने के लिए हम व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम जो क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। तो कोयला और खनिज तेल के प्रयोग को रोक देना ही एकमात्र उपाय है। ओके इसी के साथ विकिरणीय ईंधन प्रणाली भी धरती और धरती के वातावरण के लिए घातक होना हम स्वीकार चुके हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वाला एनर्जी भी जो है उससे भी मतलब धरती के लिए इट्स नॉट गुड करके कह रहे हैं, ये भी हमको पता चल गया है। ओके
विकिरणीय विधि से जो ईंधन घातक है, कोयला खनिज विधि से ईंधन भी घातक है। तो कोयला खनिज विधि से मतलब फॉसिल फ्यूल से भी डैमेज हो रहा है और न्यूक्लियर एनर्जी से भी डैमेज हो रहा है। मगर अभी अपने को पावर चाहिए, पावर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने जो बहुत सारे जो ह्यूमन ड्रजरी है, जो ज्यादा मेहनत लगता है उसको कम मेहनत से करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिसोर्सेस को हमें ढूंढना है। तो एनर्जी रिसोर्सेस को अगर लाइक अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह ढूंढते हैं तो इमीडिएटली यही दिखते हैं, जो पुराने हैं वही दिखते हैं। मगर और अच्छी तरह से सोचा जा सकता है कि मतलब और किस किस तरह से अपने को एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि अपने को मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मतलब आपको पता होगा, स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जैसे ये मैग्नेट है तो इसके राउंड में अगर वाइंडिंग करते हैं, इसके मैग्नेट है सॉरी आयरन रॉड है, रॉड के अराउंड अगर वायर मतलब इसको सर्कल करते हैं तो यहाँ पे करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट हो जाएगा। तो अगर वायर मैग्नेट ये है पहले से, तो किसी वायर को मतलब वाइंडिंग करते हैं तो इसको अगर आगे पीछे करते हैं तो वायर में करंट आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कन्वर्शन है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी अपने को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो इसके लिए अपने को ये जो मैग्नेट है इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए अपने को कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? अभी ऐसा कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी या फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इसको हिलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो अल्टरनेट सोर्सेस से लाना पड़ेगा, उसी की जिक्र यहाँ पे अगले लाइंस में बाबा जी कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, विकिरण विधि से ईंधन घातक है, कोयला खनिज विधि से ईंधन भी घातक है। तो इनके उपयोग को रोक देना मानव का पहला कर्तव्य है। तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज ए फर्स्ट एक्शन इसको रोकना चाहिए। क्या मतलब? न्यूक्लियर एनर्जी और कोयले को जलाना रोकना चाहिए। तो या दूसरा सर पहला कर्तव्य है बस। दूसरा कर्तव्य है मानव सुविधा को बनाए रखने के लिए ईंधन व्यवस्था के विकल्प को प्राप्त कर लेना। तो मतलब यू सर्च फॉर द अल्टरनेटिव्स, ताकि जो भी कन्वीनियंसेस है आदमी के लिए उसको बनाए रखने के लिए अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ विकल्प स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ता है, तो इजिली अपने को अवेलेबल है, जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया है। प्रवाह बल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना। ओके, तो जो फ्लो हो रहा है तो रिजर्वायर बना के फिर उससे एनर्जी निकालना है। ओके, देन सेकंड, इस अकेले स्रोत के प्रावधान से प्रदूषण रहित प्रणाली से विद्युत ऊर्जा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो सकती है। जैसे कि एक असेसमेंट है कि ब्रह्मपुत्र में जो फ्लड आते हैं, अगर ये ब्रह्मपुत्र के फ्लड्स को, फ्लड वाटर को अगर अपन रोक के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इसका एक असेसमेंट है कि सारे इंडिया को जितना भी एनर्जी की जरूरत है वो पूरा हो सकता है करके। ओके, इससे पता चलता है, एक असेसमेंट है। और इसी के साथ समृद्ध होने के लिए हवा का दबाव, विंड एनर्जी, समुद्र तरंग का दबाव, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस जो स्वाभाविक रूप में धरती के भीतर से आकाश की ओर गमन करती रहती है, ऐसे सभी स्रोत का भरपूर उपयोग करना मानव के लिए हित में है। ओके, मतलब ये जो अल्टरनेट एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, ओके, फ्लो एनर्जी, गोबर गैस, ऐसे आदि हम ये रिन्यूएबल एनर्जीज है, तो इसको अपन मतलब अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ओके, ओके, मानव के सुख समृद्धि के अर्थ में ये सब जितने भी अभी बताए हैं वो सुख समृद्धि के अर्थ में है। सो कुछ ऐसे यंत्र जो तेल से ही चलने वाले हैं उनके लिए खाद अखाद तेल वनस्पति पेड़ से प्राप्त, जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं डीजल ट्रीज जो बोलते हैं ना, ये भी मतलब प्रयोग में ला सकते हैं, के विभिन्न संयोग से यंत्रोपयोगी बनाने के शोध को पूरा कर लेना चाहिए। तो उससे मतलब उसके उसके लिए रिसर्च करके, तो
उसको मतलब रेगुलर यूज में लाने के लिए होना संभव मतलब होने की संभावना है। वी हैव टू डू रिसर्च ऑन दैट। जो कुछ पेड़ों से ये एनर्जी निकल सकता है, जो डीजल प्लांट जो बोलते हैं उससे। तब मानव यंत्र से प्राप्त सुविधाओं के बनाए भी रख सकते हैं। मतलब जो भी अभी क्या बोलते हैं बिग बिग इंडस्ट्रीज है जिसके लिए जो एनर्जी चाहिए, तब ये कोयला और पेट्रोल से मतलब यूज करके कर रहे हैं, उसको ये अल्टरनेट एनर्जी से भी चला सकते हैं। ईंधन समृद्धि बना रह सकता है। मतलब वी कैन अचीव प्रॉस्पेरिटी इन दिस एनर्जी सोर्सेस। तैलीय प्रयोजनों के लिए जंगल में तैलीय वृक्ष का प्रवर्तन किया जाना संभव है ही। सड़क बाग बगीचे में भी यह हो सकता है। तो ये मतलब लार्ज स्केल में इसको अपन मतलब क्या बोलते हैं प्लांट कर सकते हैं, देन उससे उसको हार्वेस्ट करके एनर्जी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस सोर्स बन सकता है। इससे हम समृद्ध हो सकते हैं, मतलब एनर्जी रिसोर्सेस में समृद्ध हो सकते हैं, यही मतलब बाबा कह रहे हैं यहाँ पे। तो किसानों के खेत में मोड़ पर भी हो सकता है। ये केवल मानव के सद्बुद्धि के आधार पर संपन्न होने वाला कार्यक्रम है। अगर वी आर डिटरमाइंड टू गो इन दैट डायरेक्शन, वी कैन डू इट। ऐसा मतलब बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पे। मतलब हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं मतलब ऐसा इसको देख रहा हूँ कि मतलब धरती को नष्ट किए बिना अगर करना है तो थोड़ा मेहनत अपने को करना पड़ेगा, तो उसके बाद में समृद्धि को अपन पा सकते हैं। धरती की ऊपरी सतह में विशाल संभावनाएं हैं ऊर्जा स्रोत बनाने के, ईंधन स्रोत बनाने बनाने की। दबाव स्रोत, प्रवाह स्रोत, सौर्य ऊर्जा स्रोत से सब स्वाभाविक रूप में प्रचुर मात्रा में है ही। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर ही जितना भी आदमी को एनर्जी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब ये जो एनर्जी का प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो सब सरफेस के ऊपर ही बना हुआ है। मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब धरती का पेट फाड़कर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ बाबा जी कह रहे हैं। तो धरती के भीतर ऐसा कुछ भी स्रोत नहीं है। जितना अपने को सरफेस के ऊपर मिलता है उससे ज्यादा अंदर नहीं मिलता है, ये कह रहे हैं। जो है केवल धरती को स्वस्थ रखने के लिए है। मतलब जो अंदर है वो धरती को स्वस्थ रखने के लिए है। अपन क्या कर रहे हैं कि धरती का पेट फाड़कर उसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो उसके वजह से धरती मतलब बीमार हो गया, यही मतलब बहुत बहुत जगह पे बाबा जी ने कहा है। सो धरती के भीतर ऊपरी हिस्से के समान या सदृश कोई स्रोत दिखाई नहीं पड़ता। मतलब जो भी एनर्जी सोर्सेस है धरती के अंदर, ऊपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। धरती के अंदर जो भी है उसको धरती का मतलब धरती को अच्छा मतलब हेल्दी बनाने बना के रखने के लिए ही उपयोगी हो सकता है, ना कि अपने यूज के लिए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में मतलब बाबा जी ने नेक्स्ट पैराग्राफ में ये पानी के बारे में जिक्र किया है। तो इसी क्रम में और भी एक तथ्य याद रखने के योग्य है। धरती के पाताली जल स्रोत के और दृष्टि गई कुल 25 से 30 वर्ष में ही सर्वाधिक जगह में पाताली जल स्रोत क्षीण हो गया। मतलब लास्ट 25 मतलब 2 to 3 decades के अंदर ही जो अर्थ का वाटर लेवल है, अर्थ के अंदर जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चले गया है। क्योंकि अपन ये मतलब बोरवेल्स डाल के मतलब 1,000 feet 1,500 feet अंदर से पानी जो निकाल रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। एंड उतने नीचे से जब पानी निकालते हैं तो वो इट इज नॉट यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। तो जो मैं एक्चुअली जब छोटा था उस समय में एक तर्क लगाया था, लगा के मैं सोचता था कि जो रूट है मतलब जिस एरिया में भी जो ट्रीज है उसका जो डीपेस्ट रूट है, तो डीपेस्ट रूट से के नीचे जाकर पानी निकालने का वो एक पाबंदी लगाना चाहिए। तो अपने जगह में सपोज अपने एरिया में अगर ट्री का डीपेस्ट रूट इज से 15 meters, तो अपन ये कंडीशन लगा सकते हैं 15 meters से नीचे कुछ भी 15 meters के नीचे से पानी निकालना निषेध है। क्योंकि उससे नीचे से अगर पानी निकालते हैं तो वाटर लेवल उस डीपेस्ट रूट के नीचे चले जाएगा, उसके बाद में रूट को पानी पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि एक ये अभी इससे पहले मैं बताया था, तो एक पेड़ को जब लेते हैं तो पेड़ है ना अपना आहार बनाने के लिए सनलाइट लेता है सन से,
और धरती से पानी लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये तीनों लेने के बाद इट कन्वर्ट्स दैट इनटू टू थिंग्स, एक ग्लूकोज बनाता है, तो उससे क्या है कि ये जो पत्ते बढ़ना मतलब पत्ते का ग्रो होना ये सब होता है ग्लूकोज से, और दूसरा है ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तो अभी जब ये पानी डीपेस्ट रूट से नीचे अगर पानी का लेवल गया है तो नीचे से पानी मतलब पेड़ों को पहुंचेगा ही नहीं है, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो पेड़ मतलब खत्म हो जाएंगे, जब पेड़ कम होने लगेंगे मतलब ग्रीनरी सरफेस कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन को कौन पचाएगा, तो ऑक्सीजन को अगर पचाने वाला नहीं है तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन जब बढ़ जाएगा ऑक्सीजन लेयर मतलब अर्थ एटमोसफियर में ऑक्सीजन का लेयर का जो थिकनेस है वो बढ़ेगा, तो जब ऑक्सीजन लेयर का थिकनेस बढ़ेगा तो जो सूर्य से जो गर्मी पहुंच रहा है रिफ्लेक्ट होके जो बाहर जा रहा है तो ये थिकनेस ये थिक लेयर उसको रोकेगा, रोकने के बाद मतलब अर्थ सरफेस और भी बढ़ने लगेगा। ये सारे कनेक्टेड चीज है, तो आसानी से समझ में आता है ये, मगर अपन मतलब ये समझ की कमी की वजह से समृद्धि क्या होता है ये पता नहीं है, तो अपनी आवश्यकता को हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण हम बहुत मतलब बर्बादी के डायरेक्शन में बहुत तेजी से जा रहे हैं। अभी जितना स्पीड बढ़ते जा रहा है और भी मतलब जितना जो हाई स्पीड है अपना जो ट्रैवल स्पीड जो है उसके कारण और भी अपन बर्बादी के डायरेक्शन में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तेज गति से जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ओके फिर एक बार ये पढ़ता हूं। धरती के पाताली जल स्रोत के ओर दृष्टि गई है। ओके, कुल 25 से 30 वर्ष में ही सर्वाधिक जगह में पाताली जल स्रोत क्षीण हो गया है, तो फलस्वरूप ऊपरी जल स्रोत सूख गया, तालाब बौड़ी सूख गया। ओके, मानव बर्बादी की ओर चल दिया। इस मुद्दे पर थोड़ा सा ध्यान दे, तो धरती के ऊपरी हिस्से में जितना विशालता है हरेक 10 फीट में विशालता घटती जाती है। ये मतलब सिंपल अर्थमेटिक है, सिंपल मैथ है। क्या है कि जो ऊपर सरफेस एरिया है अपन अंदर जाते हैं तो सरफेस एरिया कम होगा, तो ये कौन सा लॉजिक है कि ऊपर से ज्यादा अपने को रिसोर्सेस अंदर मिलेंगे, सो दिस वेरी इलॉजिकल थिंग। तो सरफेस पे जो है मानव की समृद्धि के लिए जितना भी चीज चाहिए वो सरफेस के ऊपर ही है, तो आसानी से मिलेंगे, मगर वी आर गोइंग डीप इनसाइड एंड कॉजिंग डेंजर टू अर्थ, देयर बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉजिंग डेंजर टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, तो धरती के ऊपरी हिस्से में जितना विशालता है हरेक 10 फीट में विशालता घटती जाती है, इसको परीक्षण निरीक्षण हर विद्यार्थी कर सकता है। तो जैसे एक गोल वृत्ति बनाए, यह आसानी से हाथ से भी बन सकता है, कंपास से भी बन सकता है, एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं बाबा जी। ओके, उसके बाद आधे आधे में एक एक वृत्ति भीतर बनाए, भीतर बना वृत्ति छोटा होता जाता है, इस प्रकार धरती का भीतर सतह ऊपरी सतह से छोटा ही होता है। तो हम मानव ब्रह्मवश पाताल स्रोत में ऊपरी सतह से ज्यादा मिलने की उम्मीद से जुड़ गए। तो ये मतलब बाबा जी कह रहे हैं ये फुलिशनेस है कि सरफेस से ज्यादा रिसोर्सेस अंदर मिलेंगे, ओके अंडरग्राउंड में मिलेंगे सरफेस से ज्यादा रिसोर्स, दिस इज जस्ट फुलिशनेस। सो इससे भी अपूर्व क्षति घटित हो चुकी है, तो मतलब ये अजम्पशन से कि नीचे जाने के बाद धरती के अंदर से और भी अच्छे चीज मिलेंगे, इससे अपनी समृद्धि होगी, तो ये अजम्पशन से बहुत सारा डैमेज हुआ है अपने को करके। तो मतलब जो अर्थ के अंदर जो भी है उसका फिर फायदा क्या है, तो ये मतलब पहले 2-3 बार कह चुके हैं इसमें सेंटेंसेस में कि धरती के अंदर जो भी है वो धरती को समृद्ध बनाने के लिए है, धरती के सरफेस पे जो भी है वो आदमी को समृद्ध बनाने के लिए है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है, धरती के अंदर जो भी है वो धरती को मतलब बीमारी से बचा के रखने के लिए है, और धरती के सरफेस पे जो भी है वो आदमी को समृद्ध बनाने के लिए व्यवस्था है। तो इस मुद्दे पर सार्थक विचार किया जाए तो यह निश्चित होता है कि पाताली जल का स्रोत धरती की ऊपरी सतह पर बहता हुआ जल ही है। ओके, जो मतलब अंडरग्राउंड में जो अर्थ के अंदर जो वाटर फ्लो है वो दैट फ्लो इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑन द सरफेस ओनली। तो इफ देयर इज नो वाटर ऑन द सरफेस देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग वाटर फ्रॉम इनसाइड, सो वी हैव टू सी दैट
वाटर इज अवेलेबल ऑलवेज ऑन द टॉप ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उसके लिए फिर कैसे अपने को करना पड़ेगा, मतलब धरती के ऊपर पानी है तो उसके लिए ऋतु संतुलन बना के रखना पड़ेगा। तो ऋतु संतुलन अगर बन गया तो देन सीजन्स ठीक से रहेंगे, तो सीजन्स ठीक से रहेंगे तो देन ये जो वाटर साइकिल है ये अच्छा रहेगा। तो वाटर साइकिल भी मतलब अपने को लाइक फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही पढ़ते हैं, क्या है कि जो समुद्र है उससे सूरज की रोशनी से मतलब जो हीट है उसकी वजह से वेपराइज होके वाटर जाता है ऊपर, वेपराइज होके जाता है। जो वेपर होने के बाद उसको बोलते हैं एवोपरेशन, उसके बाद में जो और फिर ट्रांसपिरेशन होता है, पेड़ों से जो वेपर जाता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इन दोनों जगह से जाने के बाद एक जगह पे ये कंडेंस होने लगते हैं, तो कंडेंस होने के बाद उसका जो क्या बोलते हैं साइज डेंसिटी बढ़ जाता है, उसके बाद में फिर वो नीचे गिरता है, तो ये एक साइकिल बना हुआ है। तो ये साइकिल को हम आदमी को समझना है और इसको बनाए रखना है, अभी अपन इस साइकिल को तोड़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। यह सीधा ओके फिर एक बार पढ़ रहा हूं, यह इस मुद्दे पर सार्थक विचार किया जाए तो यह निश्चित होता है कि पाताली जल का स्रोत धरती के ऊपरी सतह पर बहता हुआ जल ही है। इस धरती के ऊपर हिस्से में जल फैला हुआ है, बह रहा है, इनका आवर्तनशीलता बनी ही रहती है। ये जो धरती के ऊपर जो जल है इसकी आवर्तनशीलता बनी ही रहती है। यह सीधा सूर्य ऊष्मा के संपर्क में होने के फलस्वरूप धरती पर जल का वाष्पित होना, वेपराइज होना, यह वाष्प सघन होकर बादल के रूप में परिणाम होना, ऐसा बना हुआ बादल किसी अवधि तक समृद्ध होना, ऐसे समृद्ध होने का फलन में पुनः धरती पर बूंद बूंद के रूप में वर्षा का होना, यह आवर्तनशीलता देखने को मिलता ही है। तो ये एक मतलब वाटर साइकिल है ओके। वेपराइज होता है, फिर मतलब ये वेपर ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स की तरह बनते हैं, उसके बाद में बढ़ जाता है, उसके बाद में कंडेंस होता है, फिर देन बारिश गिरता है, ये सब एक साइकिल है। तो हमको समझना है, इसको स्वीकारना है और उसको फॉलो करना है बस। इसमें यही सार्थक होना सुनिश्चित होता है, धरती पर जल को ज्यादा जगह पे फैला कर रखा जाए। तो इसी से मानव का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो ये एक मतलब सजेशन के जैसा बाबा दे रहे हैं कि मतलब जो वाटर अवेलेबल है धरती के ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा रोका जाए और रखा जाए, मतलब फैला कर रखा जाए, ताकि ये साइकिल वाटर साइकिल बना रहे। इसके साथ साथ और भी ध्यान देने पर पता लगता है कि प्राणावस्था का वैभव, जीवावस्था और ज्ञानावस्था का वैभव, कार्यकलाप कार्य व्यवहार की शुभ स्थली धरती के ऊपर सतह पर ही प्रमाणित है। तो अपने को मतलब इस सेंटेंस से ये बता रहे हैं बाबा कि ये जो वैभव है अपना, मतलब प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था इनका वैभव है, ये सिर्फ धरती के ऊपर ही रह सकता है ओके। ऊपरी सतह मतलब ऊपरी लेयर पे ही रह सकता है, ना कि नीचे। ये तीनों अवस्थाएं धरती के भीतर कहीं भी वैभवित नहीं हो पाती है ओके। तो इसी के साथ यह भी देखने को मिलता है खगोलीय प्रकाश ऊपरी हिस्से में ही प्रतिबिंब होती है। खगोलीय प्रकाश जो मतलब यूनिवर्स से जो ये जो लाइट आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, तो ये अर्थ का जो सरफेस है वहीं पे प्रतिबिंबन होता है ओके। धरती अपारदर्शी होने के आधार पर खगोलीय प्रकाश धरती में पारगामी होना संभव नहीं है, मतलब तो ये आर पार जाना संभव नहीं है धरती के आर पार ये लाइट को ओके। सो इन सभी तथ्यों पर मानव को ही ध्यान देना आवश्यक है, मतलब ह्यूमन बीइंग को ही मतलब इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि मानव ही धरती के भीतर हिस्से में हस्तक्षेप किया है, इसका परिणाम अशुभ हो चुका है। तो ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ डिस्ट्रॉयड दिस अर्थ, डिस्ट्रॉयड अर्थ जो धरती को मतलब उसका पेट फाड़कर अंदर का जो भी है वो निकाल रहा है अपने भ्रमवश समृद्धि मानते हुए उसको। तो इसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है, मानव शुभ ही चाहता है, एक्चुअली शुभ ही चाहता है, हार्मोनी चाहता है, मगर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? समझ की कमी की वजह से, मतलब जो ओवरऑल जो कोएग्जिस्टेंस का जो फिलॉसफी है उसकी समझ की वजह से बहुत बार फेल हो चुका है।
तो अभी ये मध्यस्थ दर्शन शास्त्रवाद से ये अपने को दिखता है कि ये एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहा है, इससे बहुत सारे संभावनाएं अपने सामने है। ओके, और आगे की लाइन पढ़ता हूं। शुभ सूत्र और व्याख्या में पारंगत होने की आवश्यकता है। शुभ सूत्र और व्याख्या में पारंगत होने की आवश्यकता है। ऐसा शुभ सूत्र और व्याख्या अथवा सर्व शुभ सूत्र और व्याख्या के आधार पर सहस्तित्व विधि अर्थात नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को प्रमाणित करता हुआ जीता है। तो ये आदमी अगर समझ गया क्या नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, उसके बाद ये उसके बाद में समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व ये समझ गया तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं सार्वभौमता शुभ का सूत्र और व्याख्या है। सार्वभौम सुख का सूत्र और व्याख्या है, इस बात को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। मतलब क्या है सार्वभौम सुख सूत्र और व्याख्या है, पहले व्याख्या कर चुके हैं। अखंडता सूत्र है, सार्वभौम व्याख्या है। मतलब अखंडता एक सूत्र है, ओके, अनडिवाइडेड एक सूत्र है, सार्वभौम व्यवस्था एक व्याख्या है। इसका धारक वाहक मानव ही है, मतलब इसको समझना समझ के आधार पर जीना मानव एका ही कर सकता है। यही जागृति का प्रमाण है, सौभाग्य का वैभव है, यही मानव की चाहत भी है। इसीलिए सभी अनुचित अनावश्यक अनर्थकारी प्रवृत्तियां कार्य व्यवहार विन्यास मानव के द्वारा ब्रह्मवश घटित हो चुकी, उसे जागृति पूर्वक सुधार लेना ही मानव का सम्मान है, साथ में सौभाग्य है। तो ये कुल मिला के बाबा इस थर्ड चैप्टर के सेवेंथ सेक्शन में ये कह रहे हैं कि मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन मतलब सन एंड अर्थ इसके बारे में मतलब जिक्र किया है। और ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है ये मानव का ही करतूत है, तो मानव को इसे समझना चाहिए और समझने के बाद इसको इसका आचरण करना चाहिए। तो ये आचरण एक मतलब क्या बोलते हैं फटाक से होने वाला चीज नहीं है, धीरे धीरे अपनी आदतें बदलना चाहिए, बदल के वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले शुरुआत समझ से है, तो समझ ये शिक्षा संस्कार है उससे ही आएगा, क्योंकि मानव का आचरण शिक्षा संस्कार से ही आता है। ओके, तो शिक्षा संस्कार में ये तीन स्टेजेस है, आप सबको विदित है ही, पता भी है। तो अनुकरण, अनुसरण और अनुशासन। अनुशासन से मानव स्वानुशासन की ओर जाता है। तो अनुशासन से स्वानुशासन की ओर कैसे जाता है, ओके, करके सीखना है, सीखने के बाद समझना है, समझने के बाद करना है, ये तीन। तो अगर समझ के करते हैं तो हम स्वानुशासित है, तो अगर स्वानुशासन में नहीं है तो इसका मतलब है हमको अनुशासन में रहना चाहिए। तो अनुशासन का मतलब है कि किसी समझदार व्यक्ति के सान्निध्य से हमको ये सब जो भी जानकारियां हैं उनको लेना है और उनको अपने आचरण में डाल के जीने में लाना है। तो ये धीरे धीरे होने वाली घटनाएं हैं, मगर ये जो अपने को बदलना है, ये धरती को बर्बाद नहीं करना है, इसका संकल्प तो अपने को अभी लेना है बिना मतलब देरी से। तो ये सब मतलब बाबा कह रहे हैं इसमें। तो मैं अभी अपने पास टाइम है इसलिए मैं ये ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ मुख्य सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया, तो मैं अभी वो मुख्य सेंटेंसेस को फिर एक बार पढ़ता हूँ। अगर कुछ और भी मतलब स्पष्टीकरण मतलब करना है और मेरे को कुछ क्लिक करता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पहले पैराग्राफ में एक अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पे, उष्मा विधि से वस्तु फैलना शुरू करता है। उष्मा विधि से मतलब जब किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, तो एक्सपैंड होने के बाद और भी टेम्परेचर अपन उसको देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में करने के बाद अपने उपयोगी वस्तुएं सिर्फ मानव ही बनाता है, तो इससे हमको ये पता चलता है। और दूसरे पैराग्राफ में एक और सेंटेंस है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उष्मा को हम इस विधि से पहचानते हैं कि वस्तु जलकर या जलाकर जो प्रभाव होता है इसे हम उष्मा नाम दे रहे हैं। ओके, जो टेम्परेचर राइज जो हो रहा है ना तो उसको उष्मा नाम दे रहे हैं। जब टेम्परेचर राइज होता है उसका मतलब है कि वो आवेशित है। तो इसको दूसरे विधि से ऐसा पहचान पा रहे हैं, वस्तु जो ज्यादा आवेशित हो गया वह सदा उष्मित होता है। तो वस्तु
तो वस्तु जो ज्यादा आवेशित हो गया वह सदा उष्मित रहता है, अर्थात उसका ताप बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर राइज हो जाता है उसका। ताप को पहचानने वाला सिर्फ आदमी ही है, अन्य प्रकृति ताप को प्रभाव ताप से प्रभावित होते हैं। तो ये मतलब जड़ वस्तु ताप से प्रभावित होते हैं, ओके। और चैतन्य मतलब एकाए जो आदमी है उसको जानता है, जानने के आधार पर उसको उपयोगी उसके अपने उपयोग में ला सकता है आदमी। मगर जो जड़ वस्तु है वो पहचानता है, निर्वाह करता है। पहचानना जड़ चैतन्य प्रकृति दोनों में होता है, जबकि जानना मानना केवल चैतन्य प्रकृति में ही होता है। जानना मानना सिर्फ चैतन्य प्रकृति में होता है, मगर पहचाना निर्वाह करना सिर्फ पहचाना निर्वाह करना ये जड़ प्रकृति में होता है। और एक नेक्स्ट पैराग्राफ में और एक सेंटेंस है, ताप को प्रकट करने और बढ़ने की क्रिया में एक जलने वाला और एक जलाने वाले का संयोग रहता ही है। मतलब ताप को बढ़ाना है तो एक जलने वाला वस्तु चाहिए और एक जलाने वाला वस्तु चाहिए। जैसे कोयला जलने वाला है, हवा जलाता रहता है, ओके। कोयला जलने वाला है और हवा जलाते रहता है। और एक नेक्स्ट सेंटेंस ये, जहां ताप हो उसके आसपास उससे कम ताप हो तभी अधिक ताप कम ताप की ओर परावर्तित होता है। तो यही है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो हाई टेम्परेचर में है उसका टेम्परेचर को आवंटन करना है तो उसके आसपास का टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी है। अगर कम नहीं है तो वो टेम्परेचर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। जैसे कि सन है, सन के आसपास जो टेम्परेचर वो बहिर्गत कर रहा है, अगर सन के आसपास जो भी मतलब ग्रह गोल है उससे भी ज्यादा आवेशित है तो सन का टेम्परेचर कम होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आवंटन करना नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि नोबडी इज एबल टू टेक इट। ओके, ताप परावर्तित होकर कम होते जाता है। ताप परावर्तित होकर मतलब जो बाहर जाते जाते कम होते जाता है, अंततो गत्वा सामान्य ताप तक पहुंचता है। तो नॉर्मल स्टेट में जो एम्बियंट है उस स्टेट तक पहुंच जाता है। तो सामान्य ताप से आशय स्वाभाविक गति में होना से ही है, मतलब सामान्य गति में। ओके, आवेशित गति एक होता है, सामान्य गति एक होता है, स्वभाव गति एक होता है। स्वभाव गति का तात्पर्य है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति में जो यथास्थितियां होती है, अर्थात त्वा सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही स्वभाव गति है। त्वा सहित व्यवस्था दैट मीन्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है कि जो सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो भी है उससे रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट करते रहता है। त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तो इस ये सब अपने को वर्तमान में दिखता है। एक्चुअली वर्तमान का मतलब है कि वर्तते रहना, वर्तमान का मतलब है। तो वर्तते रहना का मतलब ये है कि क्रियाशील रहना। तो क्रियाशील का मतलब ये है कि त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। और नेक्स्ट अंडरलाइन सेंटेंस में पढ़ता हूं, उष्मा सभी ओर एक रूप से ही परावर्तित होता है। उष्मा सभी ओर एक रूप से ही परावर्तित होता है, मतलब टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सराउंडिंग एनवायरमेंट में। सूर्य का ताप सभी ओर समान रूप से, इस विधि से ही सूर्य का ताप समान रूप में परावर्तित होता है, सभी ओर समान विधि से परावर्तित होता है। नेक्स्ट अंडरलाइन सेंटेंसेस, धरती के घूर्णन गतिवश ही सूर्य के सम्मुख विमुख होने का विन्यास स्पष्ट होता है। मतलब धरती जो स्पिन हो रहा है, धरती का एक एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है, तो वो स्पिन के कारण ही एक तरफ सन की ओर है, सूरज की ओर एक तरफ है, मतलब बैक साइड सन इज नॉट देयर, मतलब सनलाइट इज नॉट फॉलिंग ऑन दैट। तो इससे ही हम डे एंड नाइट बोल रहे हैं। तो उसके घूर्णन गति से अपन डे एंड नाइट बोल रहे हैं, और ये जो वर्तुल गति है इससे सीजन बन रहे हैं। तो घूर्णन गति है और वर्तुल गति है, और किसी भी इकाई में घूर्णन गति होती है, वर्तुल गति होती है और कंपन गति होती है। ये कंपन गति ये है कि उसका एक्सिस का ये मतलब क्या बोलते हैं, आगे पीछे होना। जैसे कि अभी अर्थ का एक्सिस का इंक्लिनेशन है 23.5 डिग्रीज है, ये 23.5 डिग्रीज भी एक्चुअली वो घूमते रहता है, एक्चुअली लट्टू की तरह। अपन लट्टू को देखते हैं तो समझ में आता है, तो लट्टू एक एक्सिस के ऊपर वो एक्सिस भी घूमते रहता है।
तो धरती वैसा ही वो एक्सिस पे घूमते रहता है, मतलब वो अपने को दिखता नहीं है क्योंकि ये 26,000 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है वो एक्सिस। और नेक्स्ट अंडरलाइन सेंटेंस पढ़ता हूँ, मानव का हैसियत यही है कि मानव है का अध्ययन कर सकता है। मानव का हैसियत यही है कि मानव है का अध्ययन कर सकता है, जो भी चीज है उसका ही अध्ययन कर सकता है मानव, तो वो लिमिटेशन है, बाबा जी कह रहे हैं ऐसा। तो धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, ये लॉन्ग सेंटेंस है, धरती में ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भ्रमित क्रिया व्यवस्था से ही रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन इस धरती पर हो चुकी है, हो चुका है। तो ये मतलब ऋतुक्रम से ही, ऋतुक्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भौतिक क्रिया व्यवस्था से ही रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन धरती पर हो चुका है। मतलब ऋतुक्रम से लेकर रासायनिक क्रम धरती पर हो चुका है, ये सीक्वेंस बता रहे हैं एक से एक कैसे कनेक्टेड है। इस क्रम से चारों अवस्थाएं, अवस्थाओं की रचनाएं सुस्पष्ट हो चुकी है। सभी खनिज भी ठोस रूप में ही अपने अपने प्रजाति के अनुरचना अथवा मिश्रित रचना के रूप में प्रस्तुत है। इन्हीं की विविध प्रजातियों के आधार पर यौगिक घटना, रासायनिक ऊर्मा और वैभव का नृत्य घटित है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो मतलब क्या बोलते हैं कि यौगिक घटना, मतलब सबसे पहला जो यौगिक घटना घटा है वो पानी है, तो उसके बाद में ही रस उपरस ये सब बने हैं, उसके बाद में ही ये भुंगी कीड़ा ये सब बने हैं, उसके बाद में आदमी बना, समृद्ध मेदस बना है, उसके बाद में ये आदमी बना है। तो ये सब ये पूरा संपन्न हुए हैं कह रहे हैं। इससे स्पष्ट हो चुका इससे स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता के साथ साथ विकास क्रम और विकास की प्रवृत्तियां समाई रहती हैं। मतलब जो भी मटेरियल एटम है उसके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है, तो फाइनली वो चैतन्य एटम बना है और समझदारी की ओर अपन बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा आशा है कि सब लोग मिलकर आगे और अच्छा गति करेंगे। ओके, तो ऐसा जीवन किसी भी एक धरती से दूसरी धरती तक पहुंचने की संभावना समीचीन रहती है। तो बाबा जी ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये अर्थ के अलावा और जगह भी ये जीव अवस्था है, मतलब जीव अवस्था है का मतलब है चार समृद्ध धरतियां और भी हैं, इसका इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। धरती कोई भी अवस्था में हो उसमें विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने का मूल बीज समाहित रहती है। मतलब धरती किसी भी अवस्था में रहने दीजिए, उसमें ये विकास क्रम विकास, ओके, उसके बाद में जागृति क्रम जागृति, उसका मूल बीज रहता ही है, ये बोल रहे हैं। क्योंकि हर आवेश सामान्य गति की ओर, स्वभाव गति की ओर, स्वभाव गति विकास क्रम की ओर, विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने की ओर, विकास जागृति क्रम को प्रमाणित करने की ओर, जागृति क्रम क्रम जागृति को प्रमाणित करने की ओर एवं जागृति की निरंतरता को प्रमाणित करने की ओर कार्य करता हुआ समझ में आता है। तो ये मतलब वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। मतलब जैसा कि विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, उसके बाद में जागृति को प्रमाणित करना, ये जो मतलब मेटेरियल एटम, मतलब डेवलपमेंट सिर्फ एटम में ही होता है। तो ये मतलब मध्यस्थ दर्शन से जो एक चीज बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि मतलब ये जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एटम में ही है। तो एटम विकसित होते होते हुए ये मतलब एक सिद्धांत है कि श्रम गति परिणाम, श्रम गति परिणाम। तो ये परिणाम का अमरत हो गया, तो ये एटम अमर हो गया। अमर हो गया का मतलब है कि कंपोजिशन डिकम्पोजिशन उसमें अभी नहीं होगा, ये अमर हो गया, ये मरता नहीं है। तो उसके बाद में क्या है कि मतलब श्रम गति परिणाम, परिणाम का अमरत हो गया, उसके बाद में श्रम का विश्राम होगा। श्रम का विश्राम का मतलब है कि जागृति तक पहुंच गया है। तो जागृति तक पहुंचने के बाद में क्या है कि अपने उसके बाद में गंतव्य तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, सो फाइनल पॉइंट वेयर वी हैव टू रीच, दैट इज आचरण पूर्णता। तो श्रम का विश्राम होता है, उसके बाद में गति का गंतव्य, गति का गंतव्य मतलब आचरण पूर्णता। ओके, तो इसमें मतलब गठन पूर्ण परमाणु बनने के बाद ये मतलब
पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देवी मानव, दिव्य मानव, ये क्रमिक रूप में होने वाली क्रियाएं हैं। तो इस विधि से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व विकास और जागृति को प्रकाशित करने के अर्थ में ही क्रियाशील है। अतः जो भी अपन नासमझी के कारण भी अभी कर रहे हैं, अंततोगत्वा हम समझदारी को मतलब छू लेते ही हैं, मगर अब सब ऐसा एनवायरमेंट अगर अपन बनाते हैं तो इसकी संभावना है, मतलब जागृति तक पहुंचने की संभावना है, बहुत जल्दी उदय हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको एनवायरमेंट बनाने की जरूरत है। तो वो एनवायरमेंट बनाना अपने से ही शुरू होता है। तो और एक पैराग्राफ में जो अंडरलाइन सेंटेंस से पढ़ रहा हूं, कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है, कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है। ओके, तो ये जो मतलब कोयला है हम उसको जला रहे हैं। ओके, सो जलाए तो उससे कार्बन निकल रहा है, कार्बन एनर्जी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इससे बहुत सारे मतलब अपने लिए ही घातक वस्तुएं तैयार हो रही है। ओके, वातावरणीय ऊष्मा को अपने में ज्यादा से ज्यादा समा लेता है, मतलब कोयला टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करता है और धीरे 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 ग्रेजुअली वो बहिर्गत करता है, जिसको अपन उपयोग कर सकते हैं। अभी वो कोयले को ही जला रहे हैं तो धरती में टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करके रोकने वाली चीज बचा नहीं है, तो इसलिए धरती इमीडिएटली जो एनर्जी रिसीव कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये मतलब दुष्परिणाम है। कोयला ज्यादा से ज्यादा ताप को अपने में पचा लेता है। ओके, तो इट अब्सॉर्ब्स लॉट ऑफ एनर्जी, तो धीरे धीरे वितरित करता है। इस प्रमाण से हमें यह समझ में आता है कि इस धरती पर पहुंचने वाली ब्रह्मांडीय ऊष्मा, उसमें सबसे अधिक सूर्य ऊष्मा इस धरती पर पचाने की आवश्यकता रही है। तो ये धरती पर इस एनर्जी को पचाना है तो धरती के अंदर कोयला चाहिए, तो अपन अपनी नासमझी के कारण उसको निकाल रहे हैं। ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि धरती अपने ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने के उपरांत ही धरती के सतह पर हरियाली सुरक्षित रहती है। तो जो एक पॉइंट तक जो मतलब वार्म जो रहता है ना, वो टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा है तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हरियाली सुरक्षित रहने के उपरांत ही कृम कीट जीव जानवर का प्रकटन, उसके उपरांत ही मानव का प्रकटन होना क्रमिक रचना वैभव के रूप में हम मानव को समझ में आता है। यह वैभव के मूल में धरती अपने में ऊष्मा संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख उपलब्धि रही है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस है उसको बना के रखने के लिए अर्थ के अंदर जो भी है वो पर्याप्त है। तो अपन उसको मतलब डिक करके जो निकाल रहे हैं इससे डेंजर है, यही मतलब बार बार अपने को पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पे। और एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, मानव का प्रयोजन समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। मानव का प्रयोजन समझदार समाधान समृद्धि अभय और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। तो ये चारों को प्रमाणित करना है, इसका मतलब क्या उपाय है, अच्छा शिक्षा संस्कार देना है, तो यही एक एकमात्र उपाय है। ओके, और एक सेंटेंस है, ये जो मतलब धरती जो तापग्रस्त हो रहा है इससे क्या क्या विपदाएं हैं, और एक बार दोहरा रहा हूं। तो फर्स्ट वन इज विपदा है राइजिंग टेम्परेचर, तो ताप का बढ़ जाना। दूसरी विपदा है आइस का मेल्ट होना, जब धरती पर जितना भी बर्फ जमा हुआ है वो मेल्ट हो जाना, मेल्ट हो गया तो ये जो लाइक वाटर लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो अनुपयोगी वाटर लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में और एक दुष्परिणाम है पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन एक प्रॉब्लम है और पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में चौथा विपदा है लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर लूज हो गया तो अर्थ एक ठोस रूप में मतलब एक जगह पे रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये चारों प्रॉब्लम्स है। ओके, देन अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेस कैसे, उसके बारे में जो अंडरलाइन सेंटेंसेस से मैं पढ़ रहा हूँ, प्रवाह बल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना, इस अकेले स्रोत के प्रावधान से प्रदूषण रहित प्रणाली से विद्युत ऊर्जा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो सकती है। ये एक्चुअली लॉजिकली अपन कैलकुलेट करते हैं तो भी अपने को पता चलता है कि जितना एनर्जी अपने को चाहिए, तो ये जो फ्लो वाटर फ्लो है उसको अगर रोक के
जो निकालते हैं एनर्जी, ओके, उससे अपने को जितना जरूरत है उससे अधिक मिल सकता है। जैसा कि मैं एग्जांपल दिया था ब्रह्मपुत्र रिवर, ऐसे बहुत सारे रिवर्स के ऊपर ये फ्लड्स आते हैं तो वाटर समुद्र में मिल जाता है, तो वहां पर डैम्स की जरूरत है। ओके, सो इसी के साथ समृद्ध होने के लिए हवा का दबाव समुद्र तरंग वेव एनर्जी से भी निकल सकता है एनर्जी। सो समुद्र तरंग का दबाव गोबर गैस प्राकृतिक गैस जो स्वाभाविक रूप में धरती के भीतर से आकाश की ओर गमन करते रहती हैं, ऐसे सभी स्रोत का भरपूर उपयोग करना मानव के हित में मानव के सुख समृद्धि के अर्थ में है। तो दिस इज वेरी मतलब ह्यूमन बीइंग प्रॉस्परस होने के लिए ये स्रोत को यूज करना पड़ेगा, यूज करें तो बहुत मतलब अच्छे परिणाम आएंगे अपने को। और एक सेंटेंस है, ये लास्ट पैराग्राफ के सेंटेंसेस है, दो सेंटेंस है। ओके, जीवावस्था और ज्ञानावस्था का वैभव कार्यकलाप, सॉरी प्राणावस्था का वैभव, जीवावस्था का और ज्ञानावस्था का वैभव कार्यकलाप कार्य व्यवहार की शुभ स्थली धरती के ऊपरी सतह पर ही प्रमाणित है। तो एक बार रीट्रेट कर रहे हैं कि धरती के ऊपर ही मानव के लिए जितना भी समृद्धि के लिए स्रोत है वो सब बनी हुई है, आदमी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर मतलब धरती के अंदर पेट फाड़कर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में और एक सेंटेंस है, अखंडता सूत्र है सार्वभौमता व्याख्या है। तो ये मतलब ज्ञान को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब मानव का जो समझ है, ओके, ज्ञान विवेक विज्ञान व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और मानव परंपरा। सो ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मतलब अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। तो ये यूनिवर्सल ऑर्डर में ये चारों व्यवस्था भी आ जाता है। जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो चारों ऑर्डर उसके अंदर आ जाते हैं। जब अपन यही व्यवस्था को अपने घर में देखते हैं तो मूल्य प्रधान रहते हैं। तो ये मूल्य एक है और व्यवस्था एक है, तो इनको हमें ठीक ठीक से समझना चाहिए। इसका धारक वाहक मानव ही है और कोई नहीं है, बिकॉज बाकी जो अवस्थाएं हैं वो पहचानते हैं निर्वाह करते हैं। सो यही जागृति का प्रमाण है और सौभाग्य का वैभव भी है। तो यही अपना मतलब ह्यूमन बीइंग का जो नॉलेज है उसका डिस्प्ले है। तो इसके साथ ये मतलब समाप्त होता है जो रीडिंग सेशन, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पे अभी जोड़ना चाह रहा हूँ। तो मैं ये 2005 में जैव विद्या के संपर्क में आया, जैसे कल कहा था मैं गणेश जी का शिविर पहले अटेंड किया था, उसके बाद में लगातार शिविरों की श्रृंखला यहाँ पे हुई थी उसके